ये शमसुल इस्लाम कहें तो अच्छा रहेगा, बार बार में ये जो मेरे दुम आप लगा दे रहे हैं प्रोफेसर चूज करते हैं तो कॉमरेड बोल सकते हैं मुझे है? अच्छा एक दो बात ये है जरा मुझे एम आई टॉकिंग जी, क्या ये आदर्श बात कर रहे हैं ना ये? जी जी आदर्श, जिन्होंने जी जी आदर्श कॉमरेड आदर्श, हाँ आदर्श मुझे ये जी मुझे ये बताइए कि ये हमारे पास जो टाइम है वो 30 मिनट का है हा? अलग अलग सवाल जो है उसके हिसाब से 10-10 मिनट को लेके हम लोग चलेंगे ताकि 30 मिनट। अच्छा हाँ ये जो है मुझे एकदम बहुत एकदम दौड़ना नहीं बल्कि इसको वो क्या मैराथन करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आपने सवाल जो आप कर रहे हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ। द अदर थिंग आई वांट टू नो इज पीपल हु जस्ट डू नॉट नो हिंदुस्तानी उर्दू हिंदी इन विच आई वुड बी टॉकिंग आर देयर फ्रेंड्स हु विल नॉट अंडरस्टैंड हिंदुस्तानी? सर ज्यादातर हम लोग कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तानी में ही रखें, और भी साथी हैं इंग्लिश में, बीच में हम लोग इंग्लिश को भी थोड़ा मिला के रखते हैं तो सही होगा। अच्छा चलिए तो आप वो एक्सप्लेन करिएगा, जैसा आदर्श ने कहा कि मैं भी आपको बधाई देना चाहता हूँ ज्योतिबा फुले के 96 जन्मदिन पर, तो आप देखिए कि किस तरह से जो हमारा देश ये माना जाता है कि आज पूरा का पूरा जैसे खास सोच के संदर्भ में है, ऐसा नहीं है, लड़ने वाले लोग रहे हैं। आप मेरे पीछे ज्योतिबा फुले लिख सकते हैं, और मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप उनकी किताब गुलामगिरी स्लेवरी आपने जरूर पढ़नी चाहिए, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत बहुत जरूरी है अगर आज के हालात को समझना है तो, क्योंकि ये जो हिंदुत्व फैशिज्म है वो कोई ऐसा नहीं है कि आज पैदा हुआ है, मोदी के आने के बाद पैदा हुआ है, ये एक बहुत पुराना दर्शन है और ये ओरिजिनल फैशिज्म है दुनिया का। यानी ये बहस कि फैशिज्म हमने यूरोप से आया या जर्मनी इटली से आया, ये सच नहीं है, बल्कि सच्ची बात ये है कि जो मनुस्मृति है, जो हिंदुत्व है, वो ओरिजिनल दुनिया का फैशिज्म है। तो उससे लड़ाई देखिए कितने साफ साफ, कितने चैलेंजिंग स्टाइल में ज्योतिबा फुले उनकी पत्नी उन्होंने रखा, और कैसे सिर्फ किताबें नहीं लिखी बल्कि उसको जमीन पर लड़े और उसके लिए मार खाई। तो आदर साहब ने पहले ही इसको दिशा दे दी है, हिंदू महासभा आरएसएस और मुस्लिम लीग किन राजनीतिक हालात में अस्तित्व में आई थी, इसको मेरे प्यारे दोस्तों आज के अगर भारत को समझना है, अगर आज के हिंदुत्व को समझना है, आज के आरएसएस को समझना है, उनकी राष्ट्र विरोधी, जन विरोधी, इंसान विरोधी कार्रवाइयों को समझना है, तो हमें 1857 को समझना होगा। ये 1857 में जो कुछ हुआ उसी के नतीजे में हम आप ये देखते हैं कि हिंदू धर्म के ठेकेदार पैदा हुए। और मैं आपको, मुझे लगता है कि मैं सबसे ज्यादा समय जो है वो 1857 में क्या हुआ वो आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, और दिस ऑल्सो आई वॉन्ट टू शेयर विद यू दैट वट आई विल बी शेयरिंग विद यू दिस ऑल बेस्ड ऑन द कंटेम्पररी डॉक्यूमेंट्स। मेरा जो काम है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं 1857 की बात कर रहा हूं तो 1857 के जमाने के जो दस्तावेज हैं जो मैंने सारी दुनिया से बहुत सालों में जमा किए उनके आधार पर मैं बात कर रहा हूं, और उसके बाद अगर मैं आरएसएस की बात कर रहा हूं, हिंदू महासभा की बात कर रहा हूं, मुस्लिम लीग की बात कर रहा हूं, तो मैं कोई एक जर्नलिस्टिक बात आपके सामने, एक प्रेजेंटेशन नहीं कर रहा हूं, बल्कि आप मैंने कहा अच्छा तो मेरी आवाज बंद मत करवाइएगा आदर्श। नहीं टेक्निकल इश्यू से बीच बीच में हो जा रही है। नहीं कोई बात नहीं, वो हमारे ये जो डिजिटल इंडिया है ना उसकी प्रॉब्लम नहीं है, वो शमसुल इस्लाम और आपकी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हाँ ये जो है
इस स्पष्टीकरण के बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ 1857 में क्या हुआ था, और एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड दैट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड टू इंडिया एंड व्हाट इज हैपनिंग टू इंडिया अंडर व्हेन हिंदुत्व जगन्नाथ इज रनिंग अमक. तो 1700 सारी बड़ी लड़ाइयां औरंगाबाद से लड़ाइयां शुरू करते हुए और वो कानपुर तक कब्जा किया था, रानी लक्ष्मीबाई को भी हराने वाली सेना में वो शामिल था. उसने क्या हो रहा था उस समय में, 1858 में उसकी ये किताब छपी और मैं आई एम कोटिंग इन हिंदी, द ट्रांसलेशन इज बाय मी. राजपूत ब्राह्मण मुसलमान मराठे गाय के हत्यारे और गाय के पुजारी, सुअर से नफरत करने वाले और सुअर खाने वाले, अल्लाह परमेश्वर है और मोहम्मद उसके पैगंबर हैं, और ब्रह्मा के रहस्यों को बुदबुदाने वाले सभी इस विद्रोह में साथ हो गए थे. Those who hated pig, those who ate pig, all Brahmin, all caste of Hindus, Rajput, Brahmin, and then Muslims, those who worshipped cow and those who relished beef, they all got together. Thomas Lowe, इनका जो ऑटोबायोग्राफी है वो आपको जो पढ़ना चाहते हैं जरूर पढ़ना चाहिए, बाद में आप मेरे से उसको ले सकते हैं अगर उसका पीडीएफ चाहिए तो. अच्छा, उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि 10 मई जो संडे का दिन था 1857 को विद्रोह हुआ, कैंटोनमेंट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी कैंटोनमेंट, द अदर वाज बजबज एंड द अनदर वाज इन नाउ हरियाणा अंबाला. वहां पर 10 मई को संडे का दिन था, उस दिन जो 85 लोग फांसी पर चढ़ाए गए, यानी इस देश के हिंदू मुसलमान और सिख किस तरह से मिलकर उस लड़ाई को लड़ रहे थे, उसमें अगेन रिलाइंग ऑन दी ब्रिटिश गजेटियर्स एंड जेल मैनुअल्स, जेल रिकॉर्ड्स, आउट ऑफ 85 सोल्जर्स हुवर हैंग्ड ऑन 10th में, 48 वर मुस्लिम आउट ऑफ 85, और 48 मुस्लिम थे और बाकी हिंदू और सिख थे. उसके बाद आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर जो 11 मई को सेना पहुंची और उन्होंने स्वतंत्र आजाद भारत की घोषणा की, और ये जो सेना थी जिसमें लगभग 70-80% हिंदू हथियारबंद थे, आर्म्ड हिंदूज, एंड अबाउट 20-30% मुस्लिम, दे फोर्स बहादुर शाह जफर to become the real king. Bahadur Shah Zafar initially was not willing. Bahadur Shah Zafar nahi taiyar ho rahe the. Agar aap wo sare kagzaat aur unke bare mein angrezon ke jo hain, angrezon ke dastavez hain, us zamane ke jo Indian narratives hain, Bahadur Shah Zafar ki darbar mein jo gaddar the, angrezon ke dalal the, bade bade courtiers, unke jo narratives hain, usme ye saaf pata lag jata hai, aur Bahadur Shah Zafar par jo mukadma chala uske record se pata lagta hai ki wo taiyar nahi the. Lekin ye 70-80% hinduon ne बहादुर शाह जफर, जो एक मुसलमान नाम का मुगल था, उसको कहा कि तुम राज करोगे अगर हिंदू मुसलमान का दंगा होता और हिंदू मुसलमान दो राष्ट्र होते और एक दूसरे के बीच में दुश्मनी का वो होता, तो उस दिन वो रानी लक्ष्मीबाई को राजा बना सकते थे, वो तात्या टोपे को बना सकते थे, वो राव तुलाराम को बना सकते थे. उन्होंने नहीं किया और ये कहा कि तुम किंग हो, तुम एकता, तुम इस देश के प्रतीक हो, तुम मुगल किंग हो, तुम इसको करो. और 13 मई को दिल्ली के एक अखबार प्याम आजादी ने एंथम बना 1857 का, 1857 का जो एंथम बना, उस एंथम के कुछ लाइनें मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं. अजीमुल्ला खान, हु वाज द ओवरऑल स्ट्रेटेजिस्ट ऑफ द रेवोल्यूशनरी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर बहादुर शाह, उनका 13 मई का लिखा हुआ उर्दू का, जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए मेरे प्यारे दोस्त, जो आज ये कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान तो कब से पता नहीं कब से एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे से लड़ते रहे हैं, उनको जरा सुनना चाहिए.
हम हैं इसके मालिक हिंदुस्तान, हमारा पाक वतन है कौम का जन्नत से भी प्यारा, ये हमारी मिल्कियत हिंदुस्तान हमारा, इसकी रूहानियत इसके अध्यात्म से रोशन है जग सारा, ऊपर बर्फीला पर्वत पहरेदार हमारा, नीचे साहिल पर बसता सागर का नकारा, खदाने उगल रही सोना हीरा पन्ना, उसकी शान शौकत का दुनिया में जयकारा। देखिए कितना खूबसूरत, हिंदुस्तानी उर्दू हिंदी दोनों के शब्द शामिल हैं इसमें। और लास्ट की दो लाइनें पढ़ रहा हूं, हिंदू मुसलमान सिख हमारा भाई प्यारा प्यारा, ये है आजादी का झंडा इसे सलाम हमारा। 13 मई को ये दिल्ली के एक मशहूर अखबार पे हमें आजादी के अंदर छपा। और उसके बाद आपको बताना चाहता हूं अयोध्या कराया गया, उसमें कैसे सुप्रीम कोर्ट भी ने भी गद्दारी की, हिंदुत्व की दलाली की, सरकारें तो करती रही चाहे वो कांग्रेस की सरकार रहो चाहे बीजेपी आरएसएस की सरकार रही, उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं जो महानतम कुर्बानियां हिंदू मुसलमान ने पेश की अयोध्या के अंदर, वो थी मौलाना अमीर अली और बाबा रामचरण दास। मौलाना अमीर अली वहां के बहुत बड़े मौलवी थे और बाबा रामचरण दास जो थे हनुमानगढ़ी, आज भी है वो वहां हनुमानगढ़ी के हेड थे, दोनों ने मिलकर संगठित किया और दोनों गद्दारों की वजह से, खास तौर पे मान सिंह वहां पर एक गद्दार था अमेठी का राजा, उसकी गद्दारी की वजह से ये लोग गिरफ्तार हुए और इनको फांसी पर लटकाया गया। और इनको जिस फांसी जिस टीले पर लटकाया गया कुबेर टीले पर, वो आज भी है लेकिन बदकिस्मती से वो फैजाबाद जेल के अंदर है और सिर्फ 19 दिसंबर को जो अशफाक उल्लाह का शहादत दिवस है उसी दिन खुलता है, वैसे आप नहीं जा सकते इस पर। उसके बाद दूसरे जो महान दो हिंदू मुसलमान शहीद थे शंभू प्रसाद शुक्ल और अच्छा खां, ये राजा देवी बख्श की सेना के दो कमांडर थे, दोनों लड़ते हुए गद्दारों की वजह से गिरफ्तार हुए और उनकी खाल उतारी गई इनको इनकी हत्या करने के लिए। यानी हिंदू मुसलमान एक तरह से वो इतनी डरते थे। उसके बाद हरियाणा के अंदर हांसी के अंदर हुकुमचंद जैन और मुनीर बेग दो दोस्त थे, ये दिल्ली की जो डिफेंस कमेटी बनी थी उसके भी मेंबर थे, गणित के फारसी के अरबी के संस्कृत के विद्वान थे, दोनों को पकड़ा गया गद्दारों की वजह से। महाराजा पटियाला ये पटौदी का राजा, इन सब राजाओं की गद्दारी की वजह से, नाभा के राजा की गद्दारी की वजह से, और इनको भी फांसी पर चढ़ा दिया। और फांसी पर चढ़ाने के बाद वहां के अंग्रेज शासक हिंदू मुसलमान एकता से कितना डरते थे उसका मैं आपको बताता हूं। उन्होंने मुनीर बेग को फांसी देने के बाद उनकी अंत्येष्टि की और हुकुमचंद जैन जी की को कब्र में दबाया और ये कहकर मजाक उड़ाया कि तुम बहुत हिंदू मुसलमान की एकता की बात करते हो ना, देखो हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे। उसके बाद चप्पे चप्पे पर हजारों 10,000 से ज्यादा A4 साइज के डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास इन कुर्बानियों के, मैं उसमें बहुत गिने चुने आपके सामने रख रहा हूं। उसके बाद झांसी की रानी का आप जानते हैं कि कोटा की सराय में लक्ष्मीबाई जब शहीद हुई जून 18, 1858 को, तो उससे पहले गौस खान कमांडर थे आर्टिलरी के, वो शहीद हो चुके थे उस, और इनकी जो लाश शहीद होने के बाद जो लाश मिली उसमें जिस अंग्रेज अफसर ने अपनी रिपोर्ट भेजी कहा कि उनकी जो पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर थी मंदर, वो मंजर थी मुसलमान बच्ची नौजवान बच्ची, वो उनके लाश के ऊपर कवर किए हुए थी। उसके बाद मैं अपनी बात खत्म करूंगा 1857 की। आपको दिल्ली से कोई 200 किलोमीटर दूर सहारनपुर के बाद थाना भवन एक जगह ले जाना चाहता हूं, ये सहारनपुर के बीच है। 13 हिंदू मुसलमान सिख औरतों ने शहादत पाई एक साथ लड़ते हुए, 13 औरतों ने, इनके नाम थे असगरी बेगम, आशा देवी, भगवती देवी, हबीबा, माम कौर, उमदा, राज कौर, इंदर कौर, बख्तावरी, जमीला, रहीमी, भगवानी और बीबी, ये ब्राह्मण परिवार से आते थे, राजपूत परिवारों से आती थी हिंदू मुसलमान दोनों, जाट परिवारों से आते थे हिंदू मुसलमान दोनों, ये शेफर्ड्स चरवाहों के परिवार से आते थे ये लोग, गुजरों के परिवारों से आते थे। तो आप समझ लीजिए 1857 था और 1857 जो हालात पैदा हुए उसने अंग्रेजों को उसने ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर आपने इस सबसे छुटकारा पाना है तो आप ऐसे नहीं चलेगा। और
उससे उसका जो एक तरीका उन्होंने निकाला वो ये था कि 1857 के बाद इनका एक बड़ा स्ट्रेटजी था ब्रिटिशर्स का, उसका नाम है जॉन विलियम फॉरेस्ट, FORESC। कि अगर आप ये जो हिंदू मुसलमान ईसाई सब साथ रहते हैं, अगर इसको आप नहीं तोड़ेंगे तो आप इस देश पर राज नहीं कर सकते हैं। और इसका उनको 1857 के बाद भी अंदाजा हो गया। मैं आपको अब 20वीं शताब्दी में लेकर चलना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, और आपको याद कराना चाहता हूं जलियांवाला बाग, जिसका अभी कुछ दिन के बाद हमारे पास शहादत, हम उसकी एनिवर्सरी मनाएंगे, उसका कमेमोरेट करेंगे, उसका ये दो दिन के बाद हम करेंगे, अप्रैल 13, 1919। आपको क्या ये पता है? और ये मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, उसको समझ लीजिए कि किस वजह से हिंदू मुसलमान को लड़वाना की जरूरत पड़ी, और किस वजह से आरएसएस बनी, किस वजह से हिंदू महासभा बनी, किस वजह से मुस्लिम लीग बनी, उसको समझना आपको जरूर पड़ेगा। लेकिन उससे पहले जलियांवाला बाग में क्या हुआ उसको जानना पड़ेगा। जलियांवाला बाग में 1000 से ज्यादा लोग शहीद हुए, लेकिन हंटर कमीशन जो बिठाया गया था उसने ये कहा कि नहीं, 381 लोग शहीद हुए। हालांकि उसमें भी बढ़िया मजेदार बात हुई है, ये जो इंग्लैंड की रानी के पति अभी मरे हैं फिलिप साहब, वो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं जो जनरल डायर था उसके बच्चों को मिला था, तो उन्होंने कहा कि 381 भी गलत है और 1000 जो हिंदुस्तानी कहते थे वो भी गलत है, इसके बीच में लोग मारे गए थे। यानी 381 जो अंग्रेज कह रहे थे वो ठीक नहीं था, पर वो बहस अलग है। ये समझ लीजिए कि इसमें 381 में से 375 वर रिकॉग्नाइज, वर आइडेंटिफाइड। इसमें हिंदू थे 220, 92 मुसलमान थे 61, और जिनके अंदर 14 कश्मीरी थे। आप समझ लीजिए, साजी शहादत साजी विरासत, 220 हिंदू, 94 सिख, 61 मुसलमान और 14 कश्मीरी, जिन कश्मीरियों को आज ये नेकरधारी जो इन्होंने पैंट पहनना शुरू किया है वो जो है वो कहते हैं कि गद्दार हैं ये, और इनकी बराबरी में 1905 के बाद इन्होंने कभी एक मिनट के लिए कभी इन्होंने अपना नाखून नहीं कटवाया, वो कश्मीरियों को अलगद्दार बोलते हैं। उसके बाद एक और बता रहा हूं कि इस देश में क्या हो रहा था, कि उधम सिंह जैसा एक शहीद पैदा हो रहा था। उधम सिंह जो जलियांवाला बाग का बदला लेने के लिए 21 साल उन्होंने इंतजार किया, 5-6 देशों के अंदर रहे, वहां कम्युनिस्ट पार्टियों बनाने में मदद की, वहां मजदूर आंदोलनों को खड़ा किया, और आप इस बात को जानते हैं कि 21 साल इंतजार करने के बाद उन्होंने 13 मार्च 1940 को कैक्सटन हॉल के अंदर अंग्रेज जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था माइकल ओडावर डायर, एक जनरल डायर था जिसने सीधा गोली चलवाई थी, उनको गोली मारी, और जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया तो आप सोच सकते हैं कि उन्होंने क्या नाम बताया होगा। उन्होंने अपना नाम बताया मोहम्मद सिंह आजाद, उन्होंने उधम सिंह अपना नाम नहीं बताया। और उनका एक हफ्ता लग गया अंग्रेजों को इस बात को खोजने के लिए कि भाई ये तो इस नाम का तो कोई आदमी हमारे पास है नहीं, ऐसे हमारी रिपोर्ट में नहीं है। मोहम्मद सिंह आजाद, यानी इस देश में साम्राज्यवाद के खिलाफ अगर लड़ना है तो आपने सिखों की एकता चाहिए होगी। कुछ हमारे नासमझदार लोग हैं, उन्होंने इसमें क्या किया, राम मोहम्मद सिंह आजाद कर दिया। उनको लगता है कि आजाद जो है वो किसी हिंदू का नाम नहीं हो सकता, जो चंद्रशेखर आजाद जो नाम था, तो उन्होंने इसमें राम जो गलत है। और उधम सिंह, शहीद उधम सिंह ने शहीद होने से पहले अपने दोस्तों को चिट्ठी लिखी कि अगर कोई मुझे उधम सिंह के नाम से बुलाएगा और मोहम्मद सिंह आजाद का नाम नहीं उसके नाम से बुलाएगा तो वो मेरा दोस्त नहीं है। उसके बाद जो आदर्श साहब ने जो पहला सवाल पूछा है उसके जवाब में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ये हिंदुत्ववादी और इस्लामवादी ये चूहे, ये जो कोरोना के कीड़े हैं, ये जब पैदा हो रहे हैं, उससे पहले भारत में क्या हो रहा था वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये वक्त है कि सन 1920 के आसपास सारे जी कम कह रहे कॉम्रेड 10 मिनट नहीं आप बोलिए नहीं एनी क्वेश्चन प्लीज शेयर विद मी नहीं आप बोलिए सॉरी
नहीं ठीक चल रहा है या आप कुछ चेंज चाहते हैं? नहीं 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 आप बोलिए 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 जी। ये वो समय है 1925 का समय जिस वक्त आरएसएस बनी, मुस्लिम लीग अपने पैरों पर खड़ी हुई, हिंदू महासभा बहुत एक्टिव हुई। ये वो समय है जब सारे हिंदुस्तान के अंदर मजदूर आंदोलन खड़े हो रहे हैं, कम्युनिस्ट संगठन खड़े हो रहे हैं। साउथ इंडिया के अंदर पहला कम्युनिस्ट पैदा हो रहा है मल्लापुरम सिंगारेलु शेतियार, और वो 1923 में एक कम्युनिस्ट पार्टी बना लेते हैं वहां, लेबर एंड किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान। ये वो समय है जब कानपुर के अंदर 25 दिसंबर 1925 को कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कर लेते हैं। ये वो समय है जब डांगे बंबई के अंदर, मद्रास के अंदर, शिंगरावेलु मैंने आपको बताया, यूनाइटेड प्रोविंस में शौकत उस्मानी, पंजाब में गुलाम हुसैन, बंगाल में मुजफ्फर अहमद और दूसरे लोग मिलकर कम्युनिस्ट छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए हुए उन्होंने। तो ये वो समय है, मजदूर किसानों आंदोलन चल रहे हैं, नौजवानों के आंदोलन हो रहे हैं, कलाकारों के आंदोलन हो रहे हैं, और वो बहुत हड़तालों पर कर रहे हैं, बेइंतहा हड़तालें हो रही हैं, किसान लगान देने को मना कर रहे हैं। और ये वो समय है आरएसएस पैदा होती है, और बिल्कुल आरएसएस के पैदा होने के दिनों में ही काकोरी की घटना घटती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि काकोरी में क्या हुआ था। काकोरी में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाल लहरी जी को एक खजाना लूटने के जुर्म में फांसी की सजा दी गई थी। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वो खजाना उन्होंने हथियारों के लिए नहीं लूटने का तय किया था, बल्कि उन्होंने एक प्रेस लगाना चाहते थे सोशलिस्ट लिटरेचर को करने के लिए। आदर्श भाई, मैं पहला और आपका जो दूसरा सवाल जो मेरे पास आया है, मैं लगभग उन दोनों को मिला दे रहा हूं। हा? जी सर ठीक है सर। जी जी जी, क्योंकि वो कंपार्टमेंटलाइज नहीं हो सकता है वो। हाँ जी तो ये अशफाक, ये जो साथी हैं, हिंदू मुसलमान बंगाली यूपी वाले जी पठान आर्य समाजी, ये सारे एक होकर फांसी पर लटकाए जाते हैं। और बड़ी लंबी कथा है, इसी पर आप सारा जिंदगी बताते हुए आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अशफाकुल्ला साहब ने शहीद होने से 3 दिन पहले यानी 19 दिसंबर 1927 को वो फैजाबाद जेल में शहीद किए गए, उससे 16 दिसंबर को उन्होंने चिट्ठी लिखी नौजवानों के नाम, हम अपने वर्तमान समय का आनंद कैसे ले सकते हैं जब हमारा राजनीतिक नेतृत्व अपनी झगड़ों में उलझाओ, एक अगर तबलीग का दीवाना है तो दूसरे को मुक्ति केवल और केवल शुद्धि में दिखाई पड़ती है। उधर सरकारी गुप्तचर विभाग के कर्मचारी धर्म प्रचार के लिए धन उपलब्ध करा रहे हैं। वो ये उन्होंने कहा कि ये जो धार्मिक संगठन है इसको सरकारी खजाने से पैसा मिल रहा है। और उसके बाद उनका जो खत है नौजवानों के नाम, वो खत्म होता है, भाइयों तुम्हारा आपस में इस तरह लड़ना, तुम्हारे आपसी मतभेद तुम में से किसी के भी काम ना आएंगे, ये संभव है कि 7 करोड़ मुसलमान, ये असंभव है कि 7 करोड़ मुसलमान शुद्धि के द्वारा हिंदू धर्म अंगीकार कर लें। उसी तरह ये सोचना भी निरर्थक है कि तबलीग करके 22 करोड़ हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अगर वह इसी तरह एक दूसरे से लड़ते रहे तो ये आसान होगा, और बहुत आसान होगा कि वह सब अपने हाथों से अपने गले में गुलामी की जंजीर डालकर रख ले। और उन्होंने शेर जिस शेर से खत्म किया, ये झगड़े और बखेड़े मिटाकर आपस में मिल जाओ, अब बस अकारण तफरीक भेदभाव है तुम में ये हिंदू और मुसलमान की। और उनके साथी जो उसी दिन शहीद हुए लेकिन गोरखपुर की जेल में, राम प्रसाद बिस्मिल जी ने भी 3 दिन पहले 16 दिसंबर को ही नौजवानों के नाम एक खत लिखा। और उस खत में उन्होंने क्या क्या लिखा जरा सा बताइए। आज जो हिंदू मुसलमानों के ठेकेदार बनते हैं, और खासतौर पे हमारे देश में जो हिंदुत्ववाद के नाम पे जो गुंडागर्दी मचा रखी है मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, औरतों के खिलाफ हिंदुत्व टोली ने, जरा उनको राम प्रसाद बिस्मिल जो एक आर्य समाज के एक मशहूर कार्यकर्ता थे, सरकार ने, मैं कोट कर रहा हूं उनको, सरकार ने अशफाकुल्ला को राम प्रसाद का दाहिना हाथ करार दिया है। अशफाकुल्ला कट्टर मुसलमान होकर पक्के आर्य समाजी राम प्रसाद का क्रांतिकारी दल के संबंध में यदि दाहिना हाथ बनते तब क्या नए भारतवर्ष की स्वतंत्रता के नाम पर हिंदू मुसलमान अपने निजी छोटे छोटे फायदों का ख्याल न करके आपस में एक नहीं हो सकते। मरते बिस्मिल रोशन लहरी अशफाक अत्याचार से होंगे पैदा सैकड़ों।
बोल रहा हूं ये शब्द है। और उसके बाद 23 मार्च 1931 को कौन शहीद हुए थे? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। और उन्होंने कितना साफ साफ लिखा, ये वो समय है जब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव काम कर रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद इनकलाबी संगठन खड़ा कर रहे हैं, नौजवान विद्रोह पर उतारे हैं, वो अपने संगठन का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी रख रहे हैं। और भगत सिंह का जो है धार्मिक अंधविश्वास और सांप्रदायिकता, ये दोनों स्वतंत्र के हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावटें हैं, हमें उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना है। हिंदुओं में व्याप्त रूढ़िवाद तथा प्रतिक्रियात्मक नीतियों के साथ साथ मुसलमानों और अन्य समुदायों की संकीर्ण मानसिकता का विदेशी शासकों ने बहुत फायदा उठाया है। देश को स्वतंत्र कराने का अपना उद्देश्य प्राप्त करने के लिए हमें हर धर्म के युवाओं की जरूरत है जिनके हृदय क्रांतिकारी उमंगों से भरे हों। मेरे प्यारे दोस्तों, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा सारी दुनिया में फैला दिया, लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन, डाउन विद इंपीरियलिज्म, लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन। आपको ये बताना चाहता हूं कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा मौलाना हसरत मोहानी ने दिया था, मौलाना हजरत मौनी ने अहमदाबाद कांग्रेस के अंदर दिया था 1919 के अंदर ही। और ये इसको सारी दुनिया में फैलाने वाले, इंपीरियलिज्म की कब्र खोदने के लिए इस नारे का इस्तेमाल करने वाले भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव थे। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ये आरएसएस और मुस्लिम लीग और ये सारे संगठन बन रहे थे, चोरा चोरी भी हुआ था, चोरी चोरा में मैं नहीं जा रहा हूं चोरी चोरा में क्या हुआ था, लेकिन आपको बताता हूं कि उसमें से 19 लोगों को फांसी दी गई थी जिसमें से 5 मुसलमान थे। इनके नाम थे अब्दुल्ला, भगवान, विक्रम, दुधी, कालीचरण, लाल मोहम्मद, लोटी, महादेव, मेघू अली, नजर अली, रघुवीर, राम लगन, रामस्वरूप, रुदाली, सहदेव, संपत, पुत्र मोहन, संपत, क्योंकि दो संपत थे, श्याम सुंदर और सीताराम। समझे ये हालात थे। और उसके बाद आखिरी वाक्य बताता हूं कि चलिए वाला बाग की तरह एक बड़ा जनसंहार हुआ था किस्सा खानी बाजार के अंदर, वो भी इसी दौर के अंदर जब ये हिंदुवाद और इस्लामवाद हो रहा है, वो उसको ये सबसे बड़ा कतलेआम माना जाता है। और इसको ये 23 अप्रैल 1930 को हुआ था और इसमें 400 से ज्यादा शहीद हुए थे। मुसलमान जो रेड शर्ट माने जाते थे, खान अब्दुल गफार की जो सेना थी और जो समाजवाद में विश्वास करते थे, लाल कमीज पहनते थे। और उसका सबसे बड़ा ये थी कि चंद्र सिंह गढ़वाली, उनको पहले अंग्रेजों ने कहा इन पर फायरिंग को, उन्होंने नहीं की। 14 हिंदू टेढ़ी राजा की सेना के लोग जो अंग्रेज सेना के साथ ट्रेनिंग में थे, उनको फांसी की सजा हुई थी जो बाद में उम्र कैद में बदल गई। ये वो समय है, अंग्रेज जानते नहीं है क्या करें। अंग्रेज अब एक काम करेंगे कि वो इस देश को तोड़े और उनको ये 1857 हो, चाहे चोरा चोरी हो, चाहे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव हो, चाहे जलियांवाला बाग हो, इस बात को जान चुके हैं। हिंदू मुसलमान सिख साथ आ रहे हैं, सारी जातियों के लोग आ रहे हैं, सारे क्षेत्रों के लोग आ रहे हैं। तो अंग्रेज क्या करते हैं, अंग्रेज जैसे मैंने अभी फॉरेस्ट का बताया था कि अगर आपने अपना राज करना है तो ये जो अमंग द मैनी लेसन द इंडियन म्यूटनी कन्वेज टू द हिस्टोरियन, नन इज ऑफ ग्रेटर इंपॉर्टेंस देन द वार्निंग दैट इट इज पॉसिबल टू हैव Eminent Shudras, Hindus and Mohammedans could be united against us. हमें इस वार्निंग को समझ लेना चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर सभी जाति, चाहे ऊंची जाति चाहे नीची जाति को, हिंदू मुसलमान सब हमारे खिलाफ एक हो सकते हैं, ये वार्निंग दे रहा है वो। और उसके बाद 1857 में क्योंकि हम हारे तो उसके बाद हमारे बीच में दलाल पैदा हुए, हिंदुस्तानी दलाल जिनके बारे में भगत सिंह बात कर रहे हैं, काले अंग्रेज। कि कोई ऐसा नहीं है कि गोरे अंग्रेज ही लूटते हैं, काले अंग्रेज भी लूटते हैं। उसमें हम देखते हैं दो लोग सामने आते हैं 1857 के फौरन, बंकिम चंद्र चैटर्जी जिसको आज हिंदुत्व अपना दार्शनिक कहता है, और जो भारत मास की जो कल्पना बंकिम चंद्र चैटर्जी ने दी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये भारत का पहला हिंदुस्तानी था जिसको 1857 के बाद नौकरी 1858 में नौकरी दी गई, सीधा डिप्टी कलेक्टर। उससे पहले कभी भी किसी हिंदुस्तानी को ये नौकरी नहीं दी जाती थी। और इनको कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर ये एक सब्जेक्ट में फेल हो गए थे, इनको उस सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क देकर पास कराया था। और अंग्रेज जानते थे कि इनमें दलाली के बड़े बड़े कीड़े हैं, इनके अंदर ये बड़ा दलाली साबित हो गया। उन्होंने उस काम को किया भी,
उन्होंने आप जानते हैं आनंद मठ लिखा, वंदे मातरम गीत लिखा, और आनंद मठ का, आनंद मठ के जरिए वो क्या कह रहे हैं कि असली असली दुश्मन अंग्रेज नहीं है बल्कि मुसलमान है। और जो साथी अगर मेरे इस सवाल को कह रहे हैं कि ये झूठ है, तो मैं आपसे चाहता हूं अभी आप डाउन अभी आप जाइए आनंद मठ एबे ऑफ ब्लिस और उसका लास्ट दो पैराग्राफ पढ़ लीजिए। लास्ट दो पैराग्राफ क्या कह रहे हैं, जिसको आरएसएस और हिंदुत्ववादी बोलते हैं कि ये भारतीय हिंदू राष्ट्रवाद का फिलोसोफर है। खत्म होता है, मुसलमान हार गए हैं संतान सेना से, चिल्ड्रन की जो सेना बनाई गई है उससे मुसलमान राज हार गए हैं 200 साल पहले का, 300 साल पहले का। और वो जो सत्यानंद जो इनके लीडर है, सत्यानंद जो इनके लीडर है जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व किया है अंग्रेजों को हराने के लिए, तो ऊपर से भगवान की तरफ से एक डॉक्टर साहब आते हैं, एक डॉक्टर आते हैं, फिजिशियन आते हैं, और फिजिशियन आकर कहते हैं कि नहीं अब ये सब खत्म हुआ, अब तुम मेरे साथ चलो, अब हिमालय चलते हैं। वो कहते हैं नहीं, लेकिन अभी तो मुसलमानों को हराया, अंग्रेजों का राज कायम है, हम अंग्रेजों को क्यों नहीं हटाएंगे। वो कहते हैं नहीं, अंग्रेजों का राज ही हिंदू राज है। मैं आपको चुनौती देता हूं, कोई भी अभी आप देखिए, चाहे उसका हिंदी लीजिए, अंग्रेजी लीजिए, बंगला लीजिए, जो ओरिजिनल है कि उसके अंदर ये है नहीं कि अंग्रेज राज हिंदू राज है, अंग्रेज राज के आने के बाद हिंदुओं का राज नहीं। और ये काम सिर्फ बंकिम नहीं कर रहे थे, ये काम सर सैयद भी कर रहे थे। सर सैयद ने एक साल के अंदर दो किताबें लिख डाली 1857 के इनकलाब के खिलाफ, और उन्होंने एक अजबाब बगावत हिंद कॉजेज ऑफ द रेवेलियन ऑफ 1857 और एक बिजनौर में, बिजनौर का जो रेबिलियन था उस पर किताब लिख डाली। और उन्होंने ये कहा, अंग्रेजों को सुझाव दिया कि जनाब, और उनकी दोनों किताबों का मकसद यह है कि हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते हैं, हिंदू मुसलमान पैदाइशी दुश्मन है, और उनको जो है अंग्रेज नहीं रहेंगे तो मुसलमान इस देश में नहीं रह सकते, अंग्रेज हम मुसलमानों के भाई हैं और वो हमें हिंदुओं के जुर्म से बचाएंगे। और वो अंग्रेजों को दो सुझाव दे रहे हैं, एक सुझाव ये दे रहे हैं कि देखिए 1857 इसलिए हुआ क्योंकि आपने हिंदू मुसलमानों की ज्वाइंट रेजिमेंट्स बना दी थी आपने, और ये ज्वाइंट रेजिमेंट्स बनाने की वजह से हिंदू मुसलमानों में एकता हो गई। आप जरा सोचिए, सर सैयद साहब इस बात को बता रहे हैं। उसके बाद वो एक दूसरी बात बता रहे हैं कि आपने लड़कियों की पढ़ाई शुरू करा दी, इसकी वजह से हिंदू मुसलमान दोनों नाराज हो गए। अच्छा, इसको अंग्रेजों ने समझ लिया, अंग्रेजों ने इस बात को जान लिया। और आपको मैं ये बात आपके साथ साझा करना चाहता हूं, आप इस बात को जानते भी होंगे कि 1907 के आसपास में आते आते अंग्रेजों ने भारत की सेना का पुनर्गठन किया और ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के जिसकी रेजिमेंट नंबर्स होते थे 317, 318, 1027, 2027 इस तरह के, उसको उन्होंने जाट रेजिमेंट, बलोच रेजिमेंट, महारेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, इस सब में नाम किया ताकि उन्होंने भारत की सेना को उन्होंने इस सब में बांटा। और उसके बाद उन्होंने जो सेंसस शुरू कराया हिंदू मुसलमान के नाम का, ये उन्होंने शुरू कराया। तो अब आप समझ लीजिए कि आरएसएस विजयदशमी के दिन 1925 को कब आती है, जब अंग्रेजों के खिलाफ 1857 से शुरू होकर काकोरी केस और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के साथी जो कर रहे हैं कम्युनिस्ट मजदूर आंदोलन खड़े हो, चुकी है वो बहुत एक्टिव है, तो उससे कैसे बचा जाए। तो फॉरेस्ट और जो सर सैयद का जो कहना था, जो बंकिम चंद्र का जो कहना था कि आप जो है इसको बंटवाने के लिए, वो हमारे सामने आ जाते हैं और इसकी स्थापना होती है। और इनकी अकेले की स्थापना नहीं हो रही है, मुस्लिम लीग जो मुर्दा पड़ी थी, जो कबर के अंदर दफन पड़ी थी, वो भी खड़े होकर सामने आ जाती है। फिर उसके बाद 10 और मुसलमान संगठन आ जाते हैं। प्लीज माइक अपना म्यूट करेंगे। So I have completed two points, right? कि ये this was the background, जब जनता की एकता को तोड़ने की अंग्रेजों की जरूरत थी,
जब जनता की एकता को तोड़ने की जरूरत थी तो हिंदू और मुसलमानों के ठेकेदार और कुछ सिखों के सिख धर्म के ठेकेदार भी आ गए जो अंग्रेजों के दलाल थे। आप इस बात को जानते हैं कि जिन लोगों ने कत्लेआम किया था उनको सरोपा भेंट किया गया था अमृतसर के अंदर, इसको भी मत भूलिए। तो ये सारे आ गए कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम सिख हैं, ये सब करने के लिए। और 1925 के अंदर आरएसएस बनती है। ये बंदा जो है हेडगवार, डॉक्टर हेडगवार जो है ये कांग्रेस के अंदर है और कांग्रेस के अंदर ये जो सेंट्रल प्रोविंस है उसके एक बड़े लीडर भी हैं। और ये सब इनकी जीवनी है, ये लिखते नहीं थे कुछ। और आरएसएस वाले बहुत बहुत फकर से कहते हैं कि इनके ये अपने पास कभी पेन नहीं रखते थे, तो इनकी जीवनी आरएसएस वालों ने लिखी है। उन्होंने शायद पढ़ना बंद कर दिया है लेकिन मेरे पास है। तो उसमें यह है कि उन्होंने, मैंने कांग्रेस इसलिए छोड़ी क्योंकि कांग्रेस हिंदू मुसलमान एकता की बात करती थी, वो सिर्फ हिंदुओं की एकता की बात नहीं करती थी, वो इसलिए मैंने छोड़ी। और वो आरएसएस उन्होंने बनाया, उन्होंने कहा कि हम सिर्फ हिंदुओं का संगठित करेंगे जो अंग्रेज चाहते थे, और मुस्लिम लीग ने कहा कि हम मुसलमानों को संगठित करेंगे, हम जो कंपोजिट नेशनलिज्म है हम उसको नहीं मानते हैं, हम भारत एक राष्ट्र है उसको हम नहीं मानते हैं, हम जो है ये बहुत सारे हर धर्म का मानने वाला एक राष्ट्र है। तो इसका देखिए एक बहुत शर्मनाक पहलू यह है कि 2013 को मोदी साहब ने राइटर्स के साथ एक कॉन्फ्रेंस एक इंटरव्यू में कहा कि मैं हिंदू राष्ट्रवादी जो है इस देश के तोड़ने का सबसे बड़ा काम कर रहा है। When you say you are a Hindu राष्ट्रवादी means those who are Muslims they are Muslim राष्ट्रवादी, those who are Sikh they are Sikh राष्ट्रवादी, those who are ही नहीं। और इन्होंने इसी वजह से स्वतंत्रता आंदोलन के साथ गद्दारी की। तो 40 साल से कर रहा हूं कि आप हमको बताइए, गोलवालकर, नाना देशमुख, एल के अडवाणी, एबी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय, देवरस, ये सन 1937 से ऑनवर्ड आरएसएस में आ गए और आरएसएस के अंदर आ गए। ये किसी एक दिन इनको कोई गिरफ्तार किया गया हो, इन्होंने कोई भारत वंदे मातरम का नारा लगाया हो, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कोई धरना दिया हो, इन्होंने गौ हत्या पर पाबंदी लगा हो, ये किया हो, इन्होंने कोई तिरंगे झंडे को की बात की हो, इन्होंने वंदे मातरम तक का गीत गाया हो तो हमको बताइए, कभी नहीं, कभी भी नहीं। इनका नाखून भी नहीं कटा जो ये कहकर शहीदों में नाम लिखवा लेते कि हमने तो नाखून कटवाया था। इनका एक आदमी जरूर जो संस्थापक थे वो हेडगवार जरूर जेल गए थे। और सन 1920 के अंदर वो जेल गए थे आरएसएस बनाने से पहले, और उनकी जीवनी से पता लगता है कि वो खिलाफत मूवमेंट के लिए गर्म भाषण करने के लिए जेल में गए थे, खिलाफत मूवमेंट के लिए, समझा। और उसके भी बड़ी मजेदार कहानी है, ये एक साल जेल में रहे, गांधी जी ने कहा था कि कोई अपना डिफेंस नहीं करेगा, ये डर गए, कोर्ट में जाके इन्होंने डिफेंस किया, लेकिन इन्होंने बहुत गर्म भाषण किया था अंग्रेज सरकार के खिलाफ हिंदू मुसलमानों की एकता का, तो इनको एक साल की सजा हो गई। बाबू शक्त थी विद लेबर, तो इनका 25 पाउंड वजन बढ़ चुका था। भारत के इतिहास में, सारी दुनिया के इतिहास में, पॉलिटिकल प्रिजनर्स के इतिहास में ये एक अकेलौता उदाहरण था कि एक साल आप कैद बामुशक्कत के साथ जेल में रहे और आपका 25 पाउंड वजन 12.5 किलो वजन बढ़ गया, क्योंकि ये वहां का जेलर से बहुत दोस्ती थी इनकी, सर जाथर से। ये भी उनकी जीवनी से हमको पता लगता है, सर जाथर के साथ इनकी बड़ी दोस्ती थी। और ये कपड़े इनके नए आए जब इन्होंने पुराने कपड़े पहनने शुरू किए, ये भी उनकी जीवनी बता रही है सर। उसके बाद जनाब ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि हेडगवार साहब ने की जीवनी हमें बताती है कि वो संघ स्थापना के बाद कभी भी सरकार पर कोई टीपा टिप्पणी नहीं करते थे। और इसके बाद जो इनके सेकंड सरसंचालक हुए, बॉस हुए, गोलवालकर साहब, गोलवालकर का तो मैं आपसे बता रहा हूं कि 200 पेज लिखे जा सकते हैं उनका जो कन्फेशन है कि हमने
हमने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने साफ लिखा कि हमारे आरएसएस, मेरे पास समय नहीं है, ये मेरे पास सारा है जो उनके कोट्स और ये सब, लेकिन आप मेरी किताब आरएसएस को पहचाने हिंदी अंग्रेजी उर्दू और हिंदुस्तान की लगभग तमाम भाषाओं में है, वो आप जो साथी चाहते हैं मैं आपको गिफ्ट भी कर सकता हूं, आपके संगठन को भी मैंने कुछ किताबें गिफ्ट की हैं। तो वो आप ये समझ लीजिए कि उनका मैं एक कथन आपको पढ़ूंगा। सन 1942 में भी अनेकों के मन में तीव्र आंदोलन था, उस समय भी संघ का नित्य कार्य चलता रहा। नित्य कार्य का मतलब यह अपॉलिटिकल एक्टिविटी, प्रत्यक्ष रूप से संघ ने कुछ न करने का संकल्प किया, परंतु संघ के स्वयं सेवकों के मन में उथल पुथल चली रही थी। संघ ये अकर्मय लोगों की संस्था है, उनकी बातों में कुछ अर्थ नहीं, ऐसा केवल बाहर के लोगों ने ही नहीं कई अपने स्वयं सेवकों ने कहा, वे बड़े रुष्ट भी हुए। और उसके बाद सावरकर साहब को ले लीजिए, आप जानते हैं सावरकर साहब ने कितने माफीनामे लिखे हैं? सात तो अभी जानकारी है। और उसके बाद आप ये जानते हैं कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस INA बनाकर सेना का हमला कराना चाहे, देश को आजाद कराने के लिए, सावरकर क्या कर रहे थे? सावरकर अंग्रेज सेना के अंदर 100 से ज्यादा भर्ती कैंप चला रहे थे, ये मैं हिंदू महासभा के डॉक्यूमेंट्स पर कह रहा हूं। और जो अगर किसी में हिम्मत है इसको गलत साबित करने की, तो आप हर जो भी आप कानूनी कार्रवाई और जो कर सकते हैं, मैं आपको आपको चुनौती देता हूं कि आप करें। उसके बाद 1,00,000 से ज्यादा, उन्होंने अपने भाषण में बताया कि हमने 1,00,000 से ज्यादा हिंदुओं को अंग्रेज सेना में भर्ती कराया। उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप शायद नहीं जानते होंगे कितना शर्मनाक है, उसको बताते हुए कितना दुख होता है कि 1942 में जब सारा देश जेल बना पड़ा था, हजारों लोग शहीद किए जा रहे थे, लोग तिरंगे झंडे को उठाने पर गोली मारी जा रही थी, उस वक्त ये मुस्लिम लीग के साथ तीन प्रांतों के अंदर सरकारें चला रहे, सिर्फ दो पार्टियों पर बैन नहीं था, एक मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, ये सिंध के अंदर मिलजुल कर सरकार चला रहे थे, हिंदू महासभा मुस्लिम। बंगाल चला रहे थे मुस्लिम लीग का, और उसमें उप प्रधानमंत्री, उस जमाने में मुख्यमंत्री को उप प्रधानमंत्री कहते थे, प्रधानमंत्री थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हिंदुत्व का एक बहुत बड़ी कुल की एक बहुत बड़ा ताज। और इन ये होम मिनिस्टर थे माता, और इनको जिम्मेदारी थी क्विट इंडिया मूवमेंट को बंगाल में दबाने की। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इनकी एक किताब है लाइब्रेरी में, JNU की लाइब्रेरी में भी होगी, लीव्स फ्रॉम माई डायरी, उसको पढ़ो, महान, कितना महान, यानी सारे गद्दार आरएसएस के आज जो है वो इस देश के लिए उनकी मूर्तियां लग रही हैं, उनकी तस्वीरें लग रही हैं। अगर उनकी तस्वीरें लग सकती हैं तो फिर जिन्ना की तस्वीर भी हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के अंदर लगवाइए, क्योंकि जिन्ना के साथ इन्होंने मिलकर सरकारें चलाई थी। आप ये मैं आप आपके दो सवालों का जो है मैं लगभग उनकी, और एक बात और आप समझ लीजिए कि गोलवालकर साहब जो भगत सिंह, राजगुरु, सिद्धू, अशफाक उल्ला, राम प्रसाद बिस्मिल की जो कुर्बानी की, शहीदी की परंपरा थी, उससे बहुत नफरत करते थे। बंच ऑफ थॉट में उन्होंने इतना सारा लिखा है कि शहीद होना जो है वो नाकाम हो जाना है। बाई गेटिंग किल मीन्स यू हैव लॉस्ट द बैटल्स, तो हम हारे हुए लोगों के साथ नहीं होते हैं। यही कारण है कि शहीद होना तो दूर रहा, आरएसएस ने कभी भी स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा नहीं लिया। उसके बाद आजादी के समय में जो ये क्या हरकतें कर रहे थे, आदर्श भाई जरा बताइए अब क्या। अभी तक जितना भी बात हुआ मैं रख रहा हूँ जी। थोड़ा जिससे कॉमरेड ये बता रहे थे कि आरएसएस का किस तरीके से रोल आजादी के आंदोलन में, अभी अगर हम लोग उसका रवैया देखें तो एक ही रवैया रहा है कि किस तरीके से वो अंग्रेज सरकार के बी टीम की तरह, जो इतिहास आरएसएस अभी बताने का क्लेम करता है कि हिंदू मुस्लिम का एनिमिटी रहा है, ऐसा सादी विरासत और सादी शहादत का जो हमारा इतिहास रहा, उस इतिहास को वो दबाने और अलग अभी भी दबाने कोशिश करता है। कंटिन्यूएशन में हम लोग आगे के सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि ये तो हुआ आजादी,
साथियों ने तय किया बहुत इंपॉर्टेंट है। आजादी के बाद से आरएसएस ने भारतीय सामाजिक राजनीति जमीन पर आधिपत्य हेजेमनी के लिए किन किन सवालों का सहारा लिया। एक तो यह है कि आजादी के समय उन्होंने जो रोल अदा किया, किसी और की बात नहीं करनी है, सरदार पटेल का खत जो उन्होंने गोलवालकर जो दूसरे सर संचालक थे उनको 11 सितंबर 1948 को लिखा था, वो मैं आपको आपको पढ़कर सुना दे रहा हूं। ऑर्गेनाइजिंग द हिंदूज एंड हेल्पिंग देम इज वन थिंग, बट गोइंग फॉर रिवेंज फॉर इट्स सफरिंग्स ऑन इनोसेंट एंड हेल्पलेस मैन वीमेन एंड चिल्ड्रन इज क्वाइट अनदर थिंग। इन्होंने क्या किया, हिंदू मुसलमान जिन्होंने साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी, चाहे जलियांवाला बाग हो, चोरा चोरी हो, चाहे काकोरी केस हो, उन सब में जो किया था इन्होंने, एक जो जब देश का बंटवारा हुआ और मुस्लिम लीग अपने अपने उसमें सफल हो गई तो उन्होंने मुसलमान आम मुसलमानों से बदला लिया। और सरदार पटेल ने लिखा कि हिंदुओं की हिफाजत करना, उनको जुर्म से बचाना सही है, लेकिन उसका बदला निहत्ते और मासूम मुसलमानों से लेना, उनके बच्चों से और औरतों से लेना, ये इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। और उसका दूसरा सबूत है, राजेश्वर दयाल जो पहले होम सेक्रेटरी थे, यूनाइटेड प्रोविंस था उस अपना यूपी जो था, और आईसीएस थे वो, उनकी किताब है लाइफ ऑफ आवर टाइम्स, वो मैंने उसको उसका ये हिस्सा जो है नेट पर डाला है, आप सब लोग देख सकते हैं, राजेश्वर दयाल जी। उन्होंने लिखा है किस तरह से वेस्टर्न यूपी के अंदर जमीनों बहुत बढ़ी, किस तरह से एक मुसलमान बस्तियों के नक्शे बनाए हुए थे, किस कैसे घुसना है, किस गली से जाना है, कैसे आग लगानी है, क्या करना है, और वो पूरे दो संदूक लेकर पहुंच गए थे और गोविंद पंत के पास लेकर रात को, जेटली जो बड़े ईमानदार और सेकुलर और बहुत अच्छे अफसर थे, लेकिन वहां गोविंद पंत ने क्या किया कि जब ये निकल गया वहां से, गोलवालकर वहां से निकल गया, तब उसको एक चिट्ठी दी कि तुम ये आप क्यों क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तब तक वो मध्य प्रदेश जा चुका था जहां पर वो आरएसएस से आरएसएस के समर्थक लोग कांग्रेस की सरकार चला रहे थे। चलिए, तो और आजादी के समय दो तीन और शर्मनाक घटनाएं आप इनकी समझ लीजिए। 14 अगस्त 1947 को आरएसएस का जो ऑर्गन है, अंग्रेजी ऑर्गन के बारे में कहता है, मैं उसको संक्षिप्त में आपको बता रहा हूं, तिरंगे झंडे के बारे में, जो लोग किस्मत के दांव से सत्ता में आ गए हैं 14 अगस्त 1947 को, सारा देश में तिरंगे झंडे लहराए जा रहे हैं, नेहरू जो है वो संसद के अंदर लहराएंगे, पहली 15 अगस्त को लाल किले पर नहीं लहराया गया था, पार्लियामेंट के अंदर लहराया गया था, रात को लहराएंगे देश के अंदर, मतलब हजारों लोग तिरंगे झंडे को उठाते हुए शहीद हो चुके, जेल गए, उनके घरों को आग लगा दिया गया, उनकी संपत्तियां कुर्क कर ली गई, लेकिन आज उसको आजादी के साथ लहरा सकते हैं। उस वक्त में उससे एक दिन पहले इन्होंने लिखा, जो किस्मत के दांव से सत्ता पर आ पहुंचे हैं वो हमारे हाथों में तिरंगे झंडे को थमा दें, लेकिन हम इसको कभी भी मंजूर नहीं करेंगे। ही सुना दे रहा हूं, वह लोग जो किस्मत के दांव से सत्ता तक पहुंचे हुए भले ही हमारे हाथों में तिरंगे को थमा दें, लेकिन हिंदुओं द्वारा ना इसे कभी सम्मानित किया जा सकेगा ना अपनाया जा सकेगा। 3 का आंकड़ा अपने आप में अशुभ है, और एक ऐसा झंडा जिसमें 3 रंगों बेहद खराब मनोवैज्ञानिक असर डालेगा और देश के लिए नुकसानदेह होगा। सोचिए जरा, ये तिरंगा झंडे की बात करते हैं, ये तिरंगा झंडा लेकर आते हैं जब औरतों पर हमला करते हैं, मर्दों पर हमला करते हैं, दलितों पर हमला करते हैं, बाकी में ये तिरंगे झंडे को जलील करते रहे और उसको भी उन सब कुकर्मों के लिए तिरंगे झंडे का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने संविधान पास किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, 4 दिन के बाद 30 नवंबर 1949 को आरएसएस ने अपने मुखपत्र इंग्लिश ऑर्गन में लिखा, हम इसको नहीं मानते। ये इन किताबों के अंदर सब ये है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ये सारी भाषाओं के अंदर है, आप ये जो चाहिए, और रेडीमी एडू पर भी ये किताबें फ्री डाउनलोड के लिए हैं, उर्दू हिंदी अंग्रेजी के अंदर और भाषाओं के अंदर। हमको मनुस्मृति चाहिए, और ये मनुस्मृति लाकर क्या करते हैं, ये मैं अभी जब हम आएंगे कि उनका हिंदुओं के बारे में क्या है उस पर मैं चर्चा करूंगा। उसके बाद इन्होंने एक और काम किया, इनसे जुड़े हुए लोगों ने गांधी जी की हत्या की 30 जनवरी 1947 को। ये गुंडागर्दी करना चाह रहे हैं आजादी के समय,
ये जो भारत का एक डेमोक्रेटिक सेकुलर संविधान बन गया है जिसमें चुनाव होंगे ये सब होंगे, वो उसको डिस्टेबलाइज करने का काम कर रहे हैं। हिंसा बंटवारे के समय जो हिंसा है उसको बढ़ावा दे रहे हैं, ये सरदार पटेल कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। और किस तरह से भारत का पहला राष्ट्रपति जो है जो ये किस तरह से साजिश करते हैं और मुसलमान कपड़े पहनाकर दंगे करा रहे थे, वो मैं अभी आऊंगा जब आपका आखिरी सवाल रहेगा कि वो किस तरह से काम करते हैं, उस पर मैं आऊंगा। तो ये हमारे संविधान के बारे में ये कह रहे हैं। उसके बाद 14 अगस्त के ऑर्गेनाइजर में ही वो लिखते हैं, मैं अंग्रेजी का पढ़ देता हूं, इससे पहले जो मैंने अनुवाद किया था वो मेरा किया हुआ है, ये अंग्रेजी पढ़ाऊ। इन हिंदुस्तान ओनली द हिंदूज फॉर्म द नेशन एंड द नेशनल स्ट्रक्चर मस्ट बी बिल्ट ऑन दैट सेफ एंड साउंड फाउंडेशन। द नेशन इटसेल्फ मस्ट बी बिल्ट अप ऑफ हिंदूज ऑन हिंदू ट्रेडिशंस कल्चर आइडियाज एंड एस्पिरेशंस। भारत जो है 14 अगस्त 1947 को ये बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम नहीं मानते आपने जो डेमोक्रेटिक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, हमको हिंदू ट्रेडिशंस कल्चर आइडियाज और एस्पिरेशंस। और मजे की बात यह है उनकी जो हिंदू की परिभाषा है वो हिंदुत्व वाली परिभाषा है। वो ये लोग जो है सबसे ज्यादा एक एक पूजा और धर्म हिंदू धर्म में विश्वास करने वाले व्यक्ति गांधी के साथ जो करते हैं आप जानते हैं, यानी ये इनका जो हिंदू धर्म की जो ये बात है वो है हिंदुत्व सफाया, ब्राह्मणवाद के नाम पर पूरा पूरा कब्जा। और गांधी जी की हत्या 30 नवंबर 1900 के अंदर, कि वो तो हमारा मेंबर नहीं था। अरे भाई मुझे बताओ आरएसएस वालों, तुम्हारे पास क्या कोई ऑथेंटिकेटेड तुम्हारी लिस्ट है, तुम्हारे कोई ऑथेंटिकेटेड लिस्ट है? जब तुम कहीं पर फंस जाते हो किसी के अंदर भी बोलते हो हमारा मेंबर नहीं है, या तो तुम भारत के राष्ट्रपति से या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से एक ऑथेंटिक लिस्ट देश के सामने पेश करो जब हम मानेंगे कौन सा आदमी तुम्हारे पास है कौन सा नहीं है। जब रेप में कोई पकड़ा जाता है, चोरी करते हुए पकड़ा, बम फोड़ते हुए पकड़ा जाता है, तुम कहते हो ये हमारा आदमी नहीं है, कमाल करते हो। तो गांधी जी के मर्डर को ये वध कहते हैं। वध का मतलब क्या होता है? कोई बलि चढ़ाना, जैसे मुसलमान बकरा ईद पर बलि चढ़ाते हैं, वध करते हैं, वो बकरे का वध करते हैं, ये गांधी को वध करते हैं। तो आरएसएस और हिंदुत्व राजनीति से जुड़ा हुआ एक एक बंदा है आंध्रा से, उसने किताबें लिखी हैं और उसने लिखा है कि गांधी दुनिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल था, सबसे बड़ा गुनहगार था, अंग्रेजी के अंदर लिखी है, सीतारामैया उनका नाम है। और उन्होंने लिखा है कि 30 जनवरी 1948 के दिन गॉडसे भगवान राम के रूप में आया और उसने इस हिंदू धर्म के दुश्मन की बलि चढ़ाई। और मजे की बात यह है, ये जहां पर ये भाषण करता है सीतारामैया, उस कॉन्फ्रेंस का गोवा के अंदर इनॉग्रेशन, हिंदू जन जागृति समिति का इनॉग्रेशन जो है वो मोदी जी के करकमलों द्वारा होता है, उनके एक मैसेज के द्वारा होता है। तो ये भी आप इसको समझ सकते हैं। उसके बाद आप इनकी कुकर्म देखिए कि कैसे सरकार को ये खत्म कराना चाह रहे हैं, डिस्टेबिलाइज कर रहे हैं। अंबेडकर को ये मजबूर करते हैं इस्तीफा देने के लिए। डॉक्टर अंबेडकर क्या कर रहे हैं? पहला लॉ मिनिस्टर है और वो हिंदू औरत को थोड़ा अधिकार दिलाना चाहते हैं। आरएसएस और हिंदू महासभा के लोग, कांग्रेस के अंदर जितने सारे के सारे आरएसएस वाले घुसे हुए, उनके साथ मिलकर डॉक्टर अंबेडकर को 6 दिसंबर 1951 को इस्तीफा देने के लिए मजबूर करा देते हैं। उसके बाद थोड़े दिन के बाद 20 साल के बाद ये पार्लियामेंट पर हमला कराते हैं गाय के नाम पर, और कैसे पार्लियामेंट को पूरा आग लगाने से बचाया जाता है, किस तरह से 1967 के चुनाव से पहले ये गाय के नाम पर, और ये गाय के नाम पर इल्जाम लगाते हैं कि ये मुसलमानों ने इसका शुरू किया। ये इन्होंने अंबेडकर को पढ़ाया ना इन्होंने विवेकानंद जी को पढ़ाया। और मैं चाहता हूं कि मेरा लेख की मिथ अबाउट काओ बाबा साहब का आपने जरूर पढ़ना चाहिए, दी हिंदूज नेवर ईट बीफ इन एंशियंट इंडिया, ये अंग्रेजी हिंदी सब में उपलब्ध है, नेट पर है, आप उसको पढ़ लें। और ये मुसलमानों और दलितों को जो मारा गया है काओ के नाम पर, ये हम गुलबल्कर ने कहा 1965 के अंदर कि वो मुसलमानों ने इसको शुरू किया, जो एक बहुत बड़ा झूठ है। उसके बाद इन्होंने अयोध्या का शुरू कराया,
1725 से पैदा होकर 15 अगस्त 1947 तक इनका कभी इन्होंने कोई अयोध्या के लेके कोई अंग्रेजों को कोई प्रस्ताव नहीं रखा, कोई मेमोरेंडम नहीं रखा, कोई धरना नहीं दिया, कोई लेख नहीं लिखा, कोई डेलीगेशन नहीं भेजा। अंग्रेज हिंदू मुसलमानों को लड़वाने चाह रहे थे, इन्होंने नहीं किया उनके लिए, नहीं रखा। और उसके एकदम बाद, और वो भी 15-20 साल के बाद उन्होंने, अगर आप जो जून 1947 को ऑर्गेनाइजर का पहला अंक निकलता है उसमें भी आप देखेंगे 10 साल तक बाबरी मस्जिद का कोई जिक्र नहीं। लेकिन जब उनके सारे हथकंडे इंडिया को डिस्टेबलाइज करने में नाकाम हो रहे हैं, गांधी की हत्या करा दी, हिंसा कराई, अब डॉक्टर अम्बेडकर का इस्तीफा करा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशन है, एक हाशिए पर ठहरी ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये बाबरी मस्जिद को ले आते हैं, ये ग्लोरिफिकेशन ऑफ कास्टिज्म करते हैं, ये बराबर ये कहते हैं कि जो इगैलिटेरियन कॉन्स्टिट्यूशन हम इसको नहीं मानते हैं, हम हिंदू धर्म और कास्टिज्म और हिंदू नेशनलिज्म सब एक हैं। तो ये एक और सवाल मैं कर लेता हूं इस तरह से, आजादी के बाद से आरएसएस ने भारतीय सामाजिक राजनीतिक जमीन पर अध्याय हेजमनी के लिए किन किन सवालों का सहारा लिया है, और वो आज भी नया नया लेकर उसमें से अब वो लव जिहाद आ गया, पॉपुलेशन आ गया, अरे 800 साल मुसलमान नाम के राजाओं ने राज किया, इस देश में मुसलमानों की आबादी कभी भी 20% से ज्यादा नहीं बढ़ी, आज 14.2% है, ये बोलते हैं अगले 50 साल के अंदर मुसलमान जो है बहुमत के अंदर आ जाएंगे, 800 साल में नहीं हुआ, यानी इस देश के वो मुसलमान नाम के जो राजा थे उनको आप कैसे तय करेंगे कि अगर वो 5 साल भी अगर उस काम को करते जिसके लिए आप उनको इल्जाम लगा रहे हैं, तो यहां तो आज ये सब बहस करने के लिए शायद मैं भी नहीं होता, क्योंकि उस तरह के राज के अंदर आप अपनी क्या बात रखते, आप झूठ चलता रहता है, वो चार शादी से मुसलमान बहुमत में के अंदर आ जाएंगे, वो लड़कियां जिनका रेशो लगभग 950-1000 के बीच में, वो चार लड़कियां कहां से कोई कुमार बनाएगा ये समझ में नहीं आता है, और सेंसस का आंकड़ा कहता है कि मोर ऑफ दी हिंदूज हैव मोर देन वन वाइफ देन, क्या चीज है वो चार शादी करना, लेकिन चार शादी को ये करके कि अगले 50 साल के अंदर मुसलमान बहुमत के अंदर आ जाएंगे, ये नए नए इश्यूज हैं। उसके बाद लव जिहाद आ गया, लव जिहाद जो है वो जो है बहुमत ले आएगा। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों आदर जी, अब अगला सवाल क्या है कॉमरेड? अगला सवाल जैसा कि मतलब हम लोग देख रहे हैं कि आरएसएस जिन जिन सवालों को लेके आजादी के बाद काम किया है, कॉस लॉटरिंग का इशू, एंटी साइंटिफिक करना, लव जिहाद का, पॉपुलेशन का लेके, तो ये सारे जो इनके काम है उनका फिलोसफिकल कोई तो ग्राउंडिंग नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी इनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक मजबूत होने के कारण आज ये पावर में आ चुके हैं, तो इस तरीके से इनके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को हम लोग उस चरित्र को बेहतर तरीके से समझ पाए, कॉमरेड आप उस पे बात रखते तो। जी हाँ, नहीं आप असल में एक आप लोगों को एक बहुत क्यों दबाव रहता है कि इनका स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है, इनका स्ट्रक्चर कोई मजबूत नहीं है, ये हमेशा सत्ता के राइट साइड पर रहते हैं, अगर मुगलों का राज आ जाए ना ये सारे के सारे उसके एडवाइजर बने होंगे, औरंगजेब के एडवाइजर बने होंगे, ये सत्ता के साथ रहते हैं ये, इनको इसके अलावा इनको कोई दूसरा काम नहीं। देखिए आरएसएस के बारे में एक समझ लीजिए, ये अपने आप को बोलते हैं कि हम सांस्कृतिक संगठन है, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता, और अगर ये सांस्कृतिक संगठन है तो एकमात्र सांस्कृतिक संगठन है दुनिया का जो हथियारों को पूछता है, शस्त्र पूज बताए, एक साथ ये कोई वीणा को नहीं पूछते, ये सितार को नहीं पूछते, ये ढोलक को नहीं पूछते, को नहीं पूछते, ये गजल को नहीं पूछते, ये आरती को नहीं पूछते, ये रामचरितमानस को नहीं पूछते, ये हथियारों को पूछते हैं, और एकमात्र संगठन है, और ये कितना बड़ा झूठ है। मैं आपको बहुत जल्दी से ये आपको बताता हूं, गोलवलकर ने जो कहा कि हम गोलवलकर ने लिखा कि हम अपने लोगों को
अपने लोगों को हम भेजते हैं। हम जी गुलबलकर साहब के हाथ से सुन लीजिए, गुलबलकर साहब की बयान कर रहा हूं मैं। हमें यह भी मालूम है कि अपने कुछ स्वयंसेवक राजनीति में काम करते हैं, वहां उन्हें उस कार्य की आवश्यकताओं के अनुरूप जल से जुलूस आदि करने पड़ते हैं, नारे लगाने होते हैं। इन सब बातों का हमारे काम में कोई स्थान नहीं है, परंतु नाटक के पात्र के समान जो भूमिका ली उसका योग्यता से निर्वाह तो करना ही चाहिए, पर इस नट की भूमिका से आगे बढ़कर काम करते करते कभी कभी लोगों के मन में उसका अभिनिवेश उत्पन्न हो जाता है, और जब वो अभिनिवेश उत्पन्न हो जाता है यानी ड्रामा करने की ज्यादा हो जाती है तो हमें एल के अडवाणी की तरह से उसको बाहर कर देते हैं, मुरली चंद्र शर्मा जी की तरह से जिनको फौरन किया था उनकी तरह से बाहर कर देते हैं। उसके बाद एक और सुन लीजिए, ये तो आजादी के बाद 1956 में गुलवलकर साहब ने कहा, यदि हमने कहा कि हम संगठन के अंग हैं, हम उसका अनुशासन मानते हैं, तो फिर सिलेक्टिवनेस का जीवन में कोई जो कहा वही करना, कबड्डी कहा तो कबड्डी, बैठक कहा तो बैठक, जैसे कहा कि राजनीति में जाकर काम करो, तो उसका अर्थ ये नहीं कि उन्हें उसके लिए बड़ी रुचि या प्रेरणा है, वह राजनीतिक कार्य के लिए इस प्रकार नहीं तड़पते जैसे बिना पानी। यदि उन्हें राजनीति से वापिस आने को कहा तो भी उनमें कोई आपत्ति नहीं, अपने विवेक की कोई जरूरत नहीं, जो काम सौंपा गया उसकी योग्यता प्राप्त करेंगे, ऐसा निश्चय करके ये लोग चलते हैं। ये गुलवलकर साहब कह रहे हैं। और दूसरी की किताब आरएसएस लिखी जब अटल बिहारी वाजपेयी का राज था परम वैभव के पद पर, और उसको छह महीने में वापिस ले लिया, और उस ये पहली की ये किताब थी जिसमें उन्होंने अपने सारे जो इनके दलाल संगठन है जो ये देश है उन्होंने सबका जिक्र किया, और उसमें उस किताब में साफ लिखा कि हमारे बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जिनकी कोई मेंबरशिप नहीं होती, जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, जिनका कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, क्योंकि उनको कुछ ऐसे कार्य करने होते हैं जिसके लिए वो सब नहीं, ये के लिए यानी वो सीधा बोल रहा है कि हम गुप्त रखते हैं, और ये गुप्त रखने के बारे में राष्ट्रपति बने उनका सरदार पटेल को राष्ट्रपति बनने से पहले जो खत लिखा वो मैं पढ़कर सुना रहा हूं आपको। सर मुझे पता लगा है कि आरएसएस के लोग दंगे सांप्रदायिक कराने की कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने एक अच्छी खासी संख्या में पुरुषों को मुसलमानी पोशाक पहनाई है जो मुसलमानों की तरह दिखते हैं, ये हिंदुओं पर हमला करेंगे जिससे झगड़ा होगा और हिंदू भड़क जाएंगे, इसी तरह से इनके बीच के कुछ हिंदू मुसलमानों पर हमला करेंगे और उनको भड़काएंगे, हिंदू मुसलमानों के बीच में झगड़े कराने का उद्देश्य बड़ी आग लगाना है, ये षड्यंत्रकारी हैं, ये फैशिस्ट हैं, ये अपनी बात को मनवा नहीं सकते, इस देश के हिंदुओं को कन्विंस नहीं कर सकते हैं, इस देश के सारे हिंदू इनके साथ नहीं आ रहे इसीलिए षड्यंत्र करते। आप एक बार बताइए कोई षड्यंत्र क्यों करता है? षड्यंत्र इसलिए करता है जब आप माइनॉरिटी में होते हैं, षड्यंत्र आप इसलिए करते हैं क्योंकि आप सबको अपने साथ लेके नहीं चल सकते। मुस्लिम लीग क्यों षड्यंत्र करती थी? मुस्लिम लीग षड्यंत्र इसलिए करती थी यहां पर, यानी उसके खिलाफ जब भी कोई ऐसा लगता था कि जिन्ना को प्रेसिडेंटशिप से हटाने का कोई भी झगड़ा होता वो मीटिंग के अंदर गुंडे भिजवा देते, जिन्ना मीटिंग को पोस्टपोन करा देते थे, अंग्रेजों के साथ मिलकर परमिशन रिवोक करा देते थे, बहुत बार हुआ कि जब उनको 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 हटाया जा सकता था उनकी दलाली की वजह से, वो जो अंग्रेजों के बहुत साथ थे जब वो कांग्रेस के साथ नाता तोड़ रहे थे। तो राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं कि वो मुसलमानों की कपड़े पहना गए, ये क्या क्या कर सकते हैं, किस किस हद तक जा सकते हैं, आप उसको समझने की कोशिश करें। ये जानते हैं कि इस देश के हिंदू इनके साथ नहीं है, जब ये कहते हैं कि ब्राह्मणवाद और जातिवाद और हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्रवाद एक ही है, जिस पर अभी लास्ट सवाल पर मैं आऊंगा, उनको षड्यंत्र कराना पड़ेगा, उनको गांधी जैसे व्यक्तियों को मरवाना पड़ेगा। आज जो सात बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल जो इन्होंने जेल में डाले हैं वो कौन है, कौन है वो लोग जो ब्राह्मणवाद बात के नाम पर वो नहीं मानते हैं कि आप मनुस्मृति को भारत के संविधान की जगह नहीं लगवा सकते हैं, आप दलितों को शूद्रों को उनके अधिकार देना होगा, औरतों के इनके अधिकार देने होंगे,
किस लिए वो जेल के अंदर है? आज आज जो बहुत सारे नौजवानों को बंद किया गया, किस लिए बंद किया गया है? इसलिए बंद किया गया है क्योंकि आपकी जो विचारधारा है वो उसको चुनौती दे रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप ये सोचते हैं कि उनके साथ इस देश के हिंदू हैं, वो नहीं है। आप चुनाव के अंदर भी देखेंगे, 2014 के चुनाव के अंदर मोदी जी को लगभग 19% वोट मिले थे, दूसरे के अंदर 23% डाले गए मत मिले थे, लेकिन वो माहौल इस तरह का कर देते हैं और फिर गोदी मीडिया है उनके पास। और भारत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर इस्लामी प्रोजेक्ट खत्म हो गया क्योंकि वहां पे उनके फाइनेंसर नहीं है। यहाँ पर हिंदुत्ववादी प्रोजेक्ट इसलिए चलेगा, मोदी हिंदू राष्ट्रवादी कहकर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दो बड़े कॉरपोरेट घराने हैं जो हिंदुत्व प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगा रहे हैं। आरएसएस का संगठन पैसे से चलता है, आरएसएस का संगठन हमारे जो बदकिस्मती से एनआरआईज है वो इतना पैसा देते हैं। यहाँ विदेशों के सारे मंदिरों पर इन्होंने मंदिरों पर कब्जा कर लिया है और वहां सवाल उठ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर संसद में सवाल उठ रहे हैं, अमेरिका में सवाल उठ रहे हैं, इंग्लैंड के अंदर सवाल उठ रहे हैं। और किस तरह से ये लोग आरएसएस से जुड़े हुए या हिंदुत्ववादी लोग जो है वहां पर हमले कर रहे हैं, किसान आंदोलन के अलावा सिखों पर हमले कर रहे हैं, माइनॉरिटीज पर हमले कर रहे हैं, तो ये नंगे हो रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, आदर्श और तमाम साथियों को बताना चाहता हूँ, आरएसएस एक षड्यंत्रकारी संगठन है। षड्यंत्र बोलती है हम सांस्कृतिक संगठन, राजनीति करती है, सीधा राजनीति करती है। आज मोदी की जितनी मंत्रिमंडल के जितने सदस्य हैं आरएसएस से आए, वो सीधा बोलते हैं हम आरएसएस के मेंबर है। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में वो नहीं बोलते थे। यानी कितनी नंगी होकर आरएसएस आई। अरे तुम अगर आरएसएस हो और तुम राजनीति करते हो, आरएसएस के नाम से चुनाव लड़ो ना, आरएसएस के नाम से चुनाव लड़ो तो पता लगेगा तुमको अपनी औकात। तो ये इसको हमने समझना बहुत जरूरी है। और इन्होंने बड़ा सिख संगठन बनाया था, इन्होंने बड़ा किसान संगठन बनाया था, इन्होंने बड़ा ट्रेड यूनियन संगठन बनाया था। कहाँ है वो, कहाँ है? लोग संघर्ष कर रहे हैं, लोग आंदोलन कर रहे हैं। इन्होंने मजदूरों के लिए संगठन बनाया था, मजदूर कितने मारे गए हजारों की तादाद में, चाहे वो नोटबंदी हो, गरीब लोग और ये सब। कहाँ थे वो हिंदुत्ववादी संगठन? कहाँ थे इनके 121 संगठन? और जब इनको मर्जी होती है उसको वापिस ले लेते हैं। जब ग्राहम स्टेन्स और उनके बच्चों के अंदर हिंदू जन जागरण मंच एचजीएम जब फंसा, इन्होंने कह दिया कि वो तो हमारा संगठन ही नहीं है, तो वापिस कर देते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इनके हवे में मत आइए, ये बहुत कमजोर लोग हैं, ये सत्ता के साथ रहने वाले लोग हैं। और जो संगठन, अगर ये राजनीतिक भी वो हथियारों की पूजा करता हो तो वो संगठन फिर इंसानी संगठन। एक और इनको शौक है आयरन मैन, क्या कहेंगे लोह पुरुष। अरे इंसानी समाज में रहते हो, आयरन मैन क्या चीज होती है? क्या होता है आयरन मैन? तुम इंसानी समाज में रहते हो या आयरन समाज के अंदर रहते हो? जो लोग आयरन मैन की बात करते हो, लोह पुरुषों की बात करते हैं, वो दिमागी तौर पर मुझे लगता है पागलखाना भी उनके लिए सही जगह नहीं है। उनके लिए वो भी उनका इलाज नहीं कर सकता। इनको बिल्कुल समाज से अब मुझे लगता है आखिरी सवाल लेता है ना जी कॉमरेड, आखिरी सवाल जी। इसी में वो एक मिनट कॉमरेड, इसी में पिछले सवाल का कुछ है कि सभी अगर आप जोड़ के रख जाते कि अवकाश उनके सांगठनिक चरित्र में क्या, क्योंकि नेतृत्व का मुद्दा अभी बहुत चरम पे है, तो उस रोल रहा है, इसके बारे में भी आप आदर्श में रखें बात। आदर, तुम बहुत मेरे गुरु हो भाई, मेरे गुरु, आपको प्रणाम गुरु जी। आपने इतना अच्छा सवाल कर दिया, ये औरतों और दलितों के जो खिलाफ है उसकी तो जो कथाएं आप सुनेंगे उसके लिए तो अलग आपसे करना है। यानी दलितों और औरतों से उनकी घृणा की जो दास्तानें हैं वो तो अभी एक लड़की को, कि उसकी पैंट फटी हुई थी और उसको लेके उन्होंने भारतीय 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 सभ्यता को खराब कर दिया, उस पर प्लीज मेरा एक लेख पढ़ लीजिएगा, वो एकेडमी एडू और सब जगह पर है, तो वो मैं आपको शेयर भी कर सकता हूँ। और इससे बीच में आदर्श मैं चाहता हूँ कि मेरा ईमेल आप दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, notoinjustice@gmail.com, notoinjustice@gmail.com। आपको जितना ये लिटरेचर मेटेरियल सब चाहिए मैं आपको दूंगा। हाँ, तो एक मजे की बात बताता हूँ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ,
एक संगठन है जिसमें सिर्फ मर्द होते हैं, औरत नहीं इसमें आ सकती है। औरतों के लिए जब संगठन बनाया तो उसका नाम रखा गया राष्ट्रीय सेविका समिति। अब जरा अंतर समझ लीजिए, राष्ट्रीय जो मर्द वाला संगठन है वो वॉलंटियर्स हैं, और जो महिलाओं का संगठन है वो सेविका है, वो सर्वेंट्स हैं और ये वॉलंटियर्स हैं। तो आपको किसी क्रिटिक को पढ़ने की जरूरत नहीं है, इनको सुनने की जरूरत नहीं है, इनको जानने के लिए औरत को सेविका होना होता है इनके अपने संगठन के अंदर बदकिस्मती से। और उनका काम क्या है, उनका काम है भारतीय संस्कृति की बच्चों का पोषण करना, अच्छी तरह से सिखाना। ये भगवत साहब जो है वो तो बोलते रहते हैं कि दो मोर्चे हैं, घर का मोर्चा औरत ने संभालना है और बाहर का मोर्चा मर्द ने संभालना है। और अभी मैं इस पर बड़े विस्तार से आऊंगा, अभी हम आखिरी वाला काफी अहम है मेरे हिसाब से भी है। ठीक है जी? जी जी, एक एक चीज बस, बाकी साथी जो जुड़े हैं उनसे इस सवाल में कॉम्रेड अपनी बात रखेंगे, तब तक आप लोग अभी तक आपके जितने सवाल है वो चैट बॉक्स में लिख के रखें ताकि आगे भी हम लोग ये कॉन्वर्सेशन बढ़ा पाए। और मेरा एक निवेदन है कि मैं चैट बॉक्स नहीं देखूंगा, तो आदर्श आप पढ़कर सवाल पूछेंगे भाई। जी जी जी, ठीक है। अच्छा जी, एक एक और मजे की बात बताता हूँ। आपने सही पूछा था कि आरएसएस में आज तो क्योंकि जातिगत और ये सब है, लेकिन एक दौर था कि जबकि हेड गवार खुद इंटरव्यू लेते थे और जो कोई भी सवाल जाति पर सवाल उठाता था उसको वो नहीं रखते थे, ये उनकी जीवनियों के अंदर लिखा है। तो खैर अब मैं आ जा रहा हूं आखिरी पर, आरएसएस का हिंदू समाज के बारे में क्या एजेंडा है। ठीक है, ठीक है भाई। जी जी जी, देखिए ये सवाल हम हर धर्म के ठेकेदार से हमें पूछना चाहिए। मैं ये सवाल ठेकेदारों से पाकिस्तान में, अरब देशों में, बांग्लादेश के अंदर पूछता हूं, हिंदू धर्म के ठेकेदारों से नेपाल और यहां पूछता हूं, विदेशों के अंदर भी उनके जो अपना ठेकेदार है, अपने विश्व हिंदू परिषद, हिंदू हिंदू सेवक संघ HSS, इनका इंटरनेशनल विंग है HSS, तरह से वहां भारत मूल के जो लोग हैं उनको ये बांट रहे हैं धर्म के नाम पर। अरे तुम अगर भारत की सेवा कर रहे हो तो तुम वहां जाकर अपने अपने हिंदुओं को अलग से संगठित करोगे? इसका मतलब वहां मुसलमान, हिंदुस्तानी मुसलमान अलग संगठित होंगे, सिख अलग संगठित होंगे, ईसाई अलग संगठित होंगे? तुमने तो जाकर वहां के जिसको हम डायस्पोरा कहते हैं, जिसको हम भारतीय मूल के लोग कहते हैं, उनको आप तोड़ रहे हैं, उनको आप तोड़ने का काम कर रहे हैं। आपसे बड़ी गद्दार इतिहास के अंदर किसकी गिनती होगी बताया जाए हमको? तुमने वहां हिंदुस्तान के नाम पर संगठित करना है या हिंदू के नाम पर संगठित करना है? तुम्हारे क्या मंशा है हमको अच्छी तरह से जानते हैं, और तुम्हारा मंशा हिंदुओं के बारे में क्या है वो भी हम अच्छे तरीके से जानते हैं। मैं अपनी बात शुरू करूंगा पाकिस्तान से। पाकिस्तान मुसलमानों के नाम पर बनाना, उन्होंने बहुत परेशान किया हुआ था, नेहरू गांधी सब हिंदू थे, हिंदू उनको खा जाने वाले थे, आम हिंदू उनको खा जाने वाले थे, और वो हिंदुओं के साथ जो सैकड़ों साल का जो रिश्ता था, हजार साल से का रिश्ता था, सांझी थी, भाषा एक साथ विकसित हुई थी, कल्चर विकसित हुआ था, खान पान विकसित हुआ था, वो खा जाते हिंदू। और हालांकि ये भी आप समझ लीजिए कि टू नेशन थ्योरी जो है वो मुस्लिम लीग से पहले हिंदू महासभा के लोगों ने दे दी थी, भाई महावीर के पिताजी जो थे, मैं नाम भूल जा रहा हूँ, और लाला लाजपत राय, इन सब लोगों ने दे दी थी कि मुसलमानों को 1906 के अंदर के मुसलमानों को अफगानिस्तान भेज दिया जाए, और जहां जहां भारत के अंदर मुसलमान रहते हैं उनको एक नहीं दो तीन चार पाकिस्तान दे दिए जाए। ये बहुत पहले से आ रहा था, मुसलमान हिंदू साथ नहीं रह सकते, तो ये चक्कर चल रहा था। और मुस्लिम लीग 1940 के अंदर इस बात को जोर देना शुरू किया। तो खैर वहां मुसलमानों के नाम पर बन गया। क्या किया पाकिस्तान ने, की भाषा तो उर्दू होती है, तो जब बंगालियों ने कहा हमारी भाषा तो बंगाली होती है, उन्होंने कहा ये तो तुम्हारी पाकिस्तान की भाषा नहीं है, और बंगाल को तोड़ने, बांग्लादेश को तोड़ने का काम उन्होंने 1948 के अंदर जब जिन्ना साहब गए उन्होंने वहां कहा
बंगाली वंगाली कोई भाषा नहीं होगी पाकिस्तान की, पाकिस्तान किसी भी भाषा होगी उर्दू भाषा है। उर्दू तो यही पैदा हुई, उर्दू तो भारत के अलावा कहीं पैदा हो ही नहीं सकती थी, लेकिन उसको उन्होंने कहा कि। और यहाँ देखिए मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा आरएसएस दोनों एक ही तरह की बात करते हैं कि वो मुसलमानों की भाषा है, वो भी कहते हैं मुसलमानों की भाषा। तो वो जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बांग्लादेश के अंदर, इस पाकिस्तान के अंदर, इस पाकिस्तान के अंदर जो भाषा आंदोलन शुरू हुआ था 1948 का, उसी ने 1971 में पाकिस्तान तोड़वाया। पाकिस्तान की सेना ने बंगाल, इस पाकिस्तान की मुसलमान औरतों के साथ क्या किया, हजरत मुसलमान और उसके बाद आपने आप आज आज की अगर पाकिस्तान में आ जाएं तो पाकिस्तान के अंदर जो जेलों के अंदर औरतें हैं उसमें 90% वो औरतें हैं जो हुदूद कानून, जो बहुत सारे शरिया कानून के तहत गिरफ्तार करके लाई गई हैं। आपने अपने पति को कुछ कहा, आपने पति के बहस कर रही हैं और किसी बात पर बहस हो गई, पति ने कहा क्या तुम्हारा, पत्नी ने कहा यही तुम्हारा इस्लाम है, बस उस पर मुकदमा चल के वो जेल चली जाएगी। आपका कोई ईमानदार अफसर है, वो ईमानदार अफसर है, वो आपको रिश्वत नहीं खाने दे रहा, आप बोल देंगे जी इन्होंने कल जुमे की नमाज की फला नमाज की वक्त मुझे ऐसे गाली बकी थी और ये कह दिया था, वो जेल जाएगा, पूरा हो रहा है। आप भारत के अंदर हम ये पूछना चाहते हैं कि और वहां शरिया के नाम पे जो तमाशा है। जी जी कॉमरेड जाना तो एक तो अगर मैं बोल सकूं तो प्लीज पूछ सकता हूं, सॉरी मुझे जाना है जरूरी काम। नहीं आप बाद में लिखकर चले जाइए सवाल अपना, जल्दी। हाँ आप मेरे साथ अलग भी notoinjustice@gmail.com पर जी। तो देखिए 1949 का संविधान और ये कहते नहीं चाहिए, मनुस्मृति क्या है जरा साहब ये समझ लें। और उससे पहले सावरकर ये कह चुके हैं कि मनुस्मृति जो है वो चार वेदों के बाद हिंदुओं के लिए सबसे पूजनीय ग्रंथ है जी। मनुस्मृति ने क्या है जरा उसका सुन लीजिए, अगर आप चाहें तो अभी ये चैप्टर वन गूगल बाबा पर कर सकते हैं। अनादि ब्राह्मण ने लोक कर लिया और उसने मुख जांग तथा चरणों से क्रमशः तथा शूद्र वर्णों को उत्पन्न किया, चैप्टर वन अध्याय वन श्लोक 31 श्लोक 91 भगवान ने शूद्र वर्ण के लोगों के लिए एक कर्तव्य निर्धारित किया, यदि कोई शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को गाली देता है तो उसकी जीभ काट लेनी चाहिए, शूद्र द्वारा अहंकार वक चाहे वह सभी संभव अपराधी क्यों ना कर दे, निष्कासित कर देना चाहिए, लेकिन उसकी सारी संपत्ति छोड़ देनी चाहिए और उसके शरीर को कोई चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। कभी आपने सोचा है कि आनंद टूल टेटुम दे बंद हैं, फादर स्टैनी बंद हैं, सुधा भारद्वाज बंद हैं, ये सारे साथी विद्वान बंद हैं, आज चल रहा है दो बड़े बड़े घरानों का है ना, यानी मतलब ये भी है कि पैसे वाले लोग जिन पे जिनके पास शिक्षा और उस पर कब्जा हो। और महिलाओं के बारे में सुन लीजिए, ये चैप्टर 9 है,
आपने इंसान बने रहने के लिए इनको जरूर महीने में एक बार जरूर इनको पढ़ लेना चाहिए कि क्या 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 खौफनाक सपना ये सच करने जा रहे हैं। पुरुषों को अपने स्त्रियों को सदैव रात दिन अपने वश में रखना चाहिए। नंबर दो श्लोक है, नौ चैप्टर का। स्त्री को बाल्यावस्था में पिता, युवावस्था में पति तथा वृद्धावस्था में पुत्र रक्षा करते हैं, अर्थात वह उनके अधीन रहती है और उसे अधीन ही बने रहना चाहिए कि स्त्री कभी भी स्वतंत्र के योग्य नहीं है। सभी जातियों के लोगों के लिए स्त्री पर नियंत्रण रखना उत्तम धर्म के रूप में जरूरी है। यह देखकर दुर्बल पतियों को भी अपनी स्त्रियों के वश में रखने का प्रयत्न करना चाहिए। अनुसार ब्रह्मा जी ने निम्नलिखित प्रवृत्तियां सहज स्वभाव के रूप में स्त्रियों में पाई हैं, उत्तम शेय और अलंकारों के उपभोग का मोह, काम क्रोध, टेढ़ापन, ईर्ष्या, द्रोह और घूमना धजकर दूसरों को दिखाना। जब हमारा चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड का ये बोलता है कि हाथों में चूड़ियां पहने हुए या कड़े पहने हुए, उसके बाद फटी हुई जीभ लेकर वो जो है भारतीय सभ्यता का सत्यानाश कर रही थी फटी हुई जीभ लेकर, तो वो यही मनुस्मृति के यही श्लोक में वो विश्वास करते हैं। और उसके बाद आप सारी बात छोड़िए, कोई ये कह सकता है, डॉक्टर अम्बेडकर से भी ये बहस की थी कि जनाब अरे यार तुम क्या सैकड़ों साल बात कर रहे। मैं आपको इस किताब से परिचय कराना चाहता हूं। गीता प्रेस का अब है, हिंदुस्तान की सारी भाषाओं में गिरस्त में कैसे रहें, ये आरएसएस की किताबों की दुकान पर मिलती है, आरएसएस की किताबों की दुकान पर मिलती है। अंग्रेजी के अंदर ये सस्ती मिलती है क्योंकि एनआरआई इसको बहुत लेकर जाते हैं। हिंदी में 8 रुपए की, अंग्रेजी में 5 रुपए की मिलती है। मैं हिंदी का पढ़कर सुन, आरएसएस की किताबों की दुकानों पर मिलती है ये। जी स्वामी राम सुखदास जी ने लिखा है इसको, और हिंदुइज्म मेड इजी, जैसे कई मुफ्तियों ने औरत के खिलाफ इस्लाम को समझाने के लिए वो सवाल जवाब में कि औरत की अगर श्लोक कोई पढ़ेगा आपके कान में तो क्या क्या आपके साथ हो सकता है, लेकिन ये उन्होंने औरत को समझाने के लिए आसान कर दिया है। प्रश्न, स्वामी राम सुखदास जी की किताब है और पिछली बार ये छपी है, अभी तक इसका 18 लाख कॉपी छप चुके हैं इसके हिसाब से। सवाल जवाब, प्रश्न, पति मारपीट करे दुख दे तो पत्नी को क्या करना चाहिए? उत्तर, पत्नी को तो यही समझना चाहिए कि मेरे पूर्व जन्म का कोई बदला है, ऋण है जो इस रूप में चुकाया जा रहा है, अतः मेरे पाप ही कट रहे हैं और मैं शुद्ध हो रही हूं। पीहर वालों को पता लगने पर वो उसको अपने घर ले जा सकते हैं क्योंकि उन्होंने मारपीट के लिए अपने कन्ने थोड़ी दी थी। अभी पूरी शर्मनाक बात अभी खत्म नहीं हुई, ये सवाल एक दूसरे सवाल के रूप से आता है। अगर पीहर वाले भी उसको अपने घर ना ले जाए तो वो क्या करें? उत्तर, फिर तो उसको अपने पुराने कर्मों का फल भोग लेना चाहिए, उसके सिवाय बिचारी क्या कर सकती है, उसको पति की मारपीट धैर्यपूर्वक सह लेनी चाहिए। एक और सवाल है, अगर पति त्याग कर दे तो स्त्री को क्या करना चाहिए? स्वामी जी जवाब देते हैं, वे अपने पिता के घर पर रहे, पिता के घर पर रहना ना हो सके तो ससुराल अथवा पियर वालों के नजदीक किराए का कमरा लेकर उसमें रहे और मर्यादा संयम ब्रह्मचर्य पूर्वक अपने धर्म का पालन करे। और क्या नौकरी कर सकती है? नौकरी कर सकती है औरत? सवाल, आजकल महंगाई के जमाने में स्त्री भी नौकरी करे तो क्या हर्ज है? जवाब है, स्त्री का हृदय कोमल होता है, अतः वह नौकरी का कष्ट टालना तिरस्कार आदि नहीं कर सकती है। थोड़ी भी विपरीत बात आते ही उसके आंसू आ जाते हैं। नौकरी को चाहे गुलामी कहो, चाहे दास्ता कहो, चाहे तुष्टता कहो, एक ही बात है, गुलामी को पुरुष तो सह सकता है पर स्त्री मजे की बात यह है, पुरुष दफ्तरों के अंदर गुलामी सहता है लेकिन घर पर तो वो दादा बनता है। तो ये बाजू, ये पूरी किताब है, कितने पेज की? 128 पेज की, 128 पेज की ये किताब है। और उसके अंदर सती होना परंपरा नहीं है, धर्म है, असली धर्म है, वो सारा इसके अंदर लिखा है। और मतलब इतना शर्मनाक है। हाँ, और सुनिए दहेज के बारे में प्रश्न, क्या दहेज लेना पाप है? उत्तर, हाँ पाप है। देखिए कितना कितना तरीके से आ रही है बात। प्रश्न, अगर पाप है तो फिर शास्त्रों में उसका विधान क्यों है?
उत्तर शास्त्रों में केवल दहेज देने का विधान है, लेने का विधान नहीं। आप हंसते हंसते पागल हो जाएंगे, आप शर्म आने लगेगी, लेकिन इनको 18-18 लाख किताब छापते हुए जो आरएसएस की दुकान पर बिकती है, इससे आपको इनको शर्म नहीं आएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हिंदुओं के खिलाफ है, हिंदू धर्म के खिलाफ है हिंदुत्व जी बात करें। और आप जानते हैं कि गोलवालकर ने साफ कहा, गोलवालकर ने बंच ऑफ थॉट में साफ कहा कि हिंदू राष्ट्रवाद, हिंदू धर्म और जातिवाद एक ही है, सिनोनिमस। उसके बाद उसने ये तक कहा कि हमने केरल के हिंदुओं की नस्ल सुधारने के लिए उत्तर भारत से ऊंची कोटि के ब्राह्मण भेजे और जितने भी हिंदू थे उनकी हर जाति को अपना पहला बच्चा उससे पैदा करना होता था, वहां नस्ल सुधारने के लिए इनकी जातिवाद, इनकी शर्मनाक हरकतें। और उसके बाद आप जानते हैं ना, आरएसएस एक बहुत बड़े पैमाने पर उत्तम बच्चे पैदा कर रहा है, पैदा कर रहा है जिस तरह से हिटलर ने पैदा किए थे, हिटलर ने पूरा प्रोजेक्ट चलाया था, उस तरह से ये पैदा कर रहे हैं। ये नस्लवादी हैं, ये हिंदू विरोधी हैं, जैसे इस्लामिस्ट जो है वो मुसलमान विरोधी हैं, ये इंसानियत विरोधी हैं, ये भारत विरोधी हैं। भारत के इतिहास के साथ इन्होंने गद्दारी की, आजादी की आंदोलन के साथ गद्दारी की, आज ये भारत को तोड़ने पर लगे हैं। इनके रहते हुए बाहर से किसी दुश्मन को आने के दोस्त को तोड़ने की जरूरत नहीं। और मैं आखिरी बात एक चुनौती के तौर पर इनके सामने रख रहा हूं, ये वाकई में तुम हिंदुओं का राज लाना चाहते हो तो ऐसा करो, सारे हिंदुओं को फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ, फ्री ट्रांसपोर्ट, और सबको अडानी अंबानी का एक एक शेयर दिला दो। मुसलमानों को मत दिलाओ, ईसाइयों को मत दिलाओ, सिखों को मत दिलाओ, बौद्ध हिंदुओं को दिला दो। हम, मैं पर्सनली उस हिंदू राष्ट्र के साथ रहूंगा जिसमें 80% हिंदुओं को जिंदा रहने का अधिकार, बोलने का अधिकार, नौकरी का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार, सब अधिकार मिल जाएंगे। आप करके दिखाइए, आप वो नहीं करना चाहते हैं। पाकिस्तान में इस्लाम के ठेकेदार वहां के मुसलमानों को कुछ नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए वो हमेशा हवा खड़ा करते थे, तुम मुसलमान नहीं हो, तुम मुसलमान नहीं। यहां भी वो, तुम हिंदू नहीं हो, तुम हिंदू नहीं। गांधी हिंदू नहीं था इसीलिए मार दिया। तुम अपनी हिंदू की परिभाषा सच में घोषित करो कि तुम हिंदू राष्ट्रवाद चाहते हो, और सबको राइट टू वर्क, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, तुम सारे हिंदुओं को दोगे, किसी मुसलमान ईसाई को नहीं दोगे। करो ना ये, तुम वो नहीं करोगे, तुम गद्दार हो। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कॉमरेड। कॉमरेड का ये चैलेंज तो आरएसएस बिल्कुल भी ले नहीं सकता, क्योंकि आरएसएस जो समाज बनाना चाहता है उसके बारे में बात हुआ, उस पे शोषण रहेगा, महिलाओं का शोषण रहेगा, दलितों का शोषण, पूरी पूरी हिंदू विरोधी ताकत खुद है वो जो बोलता है। तो अभी हम लोग थोड़ा ऑडियंस से क्वेश्चन जो आए हैं उसको लेके आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल, इस दो सवाल को एक साथ क्लब करके मैं प्रेजेंट करता हूं। सर्वेया और सान्या जी ने पूछा है कि 2014 के इलेक्शन में वोट परसेंटेज इंक्रीज हुआ था बीजेपी को लेके, तो उस वो जो वोट गया था, तो इस सेंस में सवाल को लिया जा सकता है कि जो आइडियोलॉजिकल एक्सेप्टेंस हुआ है आरएसएस के ये प्रो हिंदू कोटेन को जो मॉडल है उसका जो एक्सेप्टेंस हुआ है उसको कैसे देखना चाहिए। साथ साथ सान्या जी का जो सवाल है कि क्या हम लोग सेक्युलर नेशन स्टेट रहा ही नहीं, इस या क्या ये एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से ये इस तरीके का एक फैसिस्ट आइडियोलॉजी इंडियन सॉइल पे आ चुका है। बात नहीं, देखिए एक बात तो ये है कि हमारा देश क्या नहीं रहा, क्या देखिए एक मॉडर्न नेशन बना है ना, ये प्री कॉलोनियल ये जो देश बना उस देश ने बहुत सारी चीजें, वो सब थी नहीं, बराबरी का देश का राज होगा, लोगों का राज होगा, वो तो कल्पना ही नहीं थी। अब आप देखिए कि जो पीपल का कंसेप्ट आया यूरोप के अंदर, पीपल का मतलब वर्किंग क्लास और पेजेंट्री नहीं थी, पीपल का मतलब था कैपिटलिस्ट, है ना। पीपल का अगर आप देखेंगे स्पेनिश में और दूसरी भाषाओं में तो वो यानी आम जनता नहीं थी।
तो ये आम जनता वाला जो था, हम एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं और उसकी बहुत कमजोरियां हैं, उसकी उसकी बहुत कमियां रही हैं, लेकिन क्या वो उनसे बेहतर नहीं है जिस तरह से राज चल रहे थे? और हमारे अभी सफर, हमारा एक सेकुलर डेमोक्रेटिक राज बनने का सफर कितना साल है, 1857 के बाद से बाकायदा शुरू होता है। उसके मील के पत्थर क्या है? उसके मील के पत्थर हैं जलियांवाला बाग, 1857, चोरा चोरी, भगत सिंह राजगुरु, अशफाक उल्ला राम प्रसाद बिस्मिल, किस्सा खवानी बाजार का कतलेआम, सारे हमारे मील के पत्थर हैं। तो अभी आई थिंक तानिया जी, इट विल बी टू अर्ली टू जज, टू पास अ फतवा ऑन दैट वी विल फेल और विल पास, बट वी विल हैव टू कंटिन्यू विद दिस एक्सपेरिमेंट। जी जी, एक और सवाल है जिसमें ज्यादातर तो जो आपने बात रखा उसमें कवर हो गया था, फिर भी एक तरीके से कि बीजेपी अभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपना एक आइडल के रूप में प्रेजेंट कर रहा है, तो प्रसाद मुखर्जी का क्या रोल रहा है गोलवरकर और मैं नाथुराम गोडसे का क्या रिलेशन, जो आपने कवर कर ही दिया फिर भी? हाँ नहीं, एक बात समझ लीजिए, सी आप नाथूराम का उससे क्या था, उससे क्या था, आप मोटे तौर पर समझ लीजिए हिंदू राष्ट्रवादी क्या होते हैं, है ना? एक तो अनप्रिंसिपल्ड होते हैं, इस्लाम राष्ट्रवादी क्या होते हैं, अनप्रिंसिपल्ड होते हैं, हाँ? और वो आनंद मठ उनकी जो फिलॉसफी है उसको पूरा इन टोटैलिटी करता है। मैं आरएसएस के लोगों से कब से बहस में, इसमें उसमें, लेखन के जरिए मैं ये कहता रहा हूं, तुम इस देश के अंदर आनंद मठ को कंपलसरी करा दो पढ़वाना, तुम भाषण सावर करके सन 1937, सन 1938, सन 1939, सन 1940, सन 1941 जो हिंदू महासभा के अध्यक्षीय भाषण है अहमदाबाद, भागलपुर, कानपुर, कलकत्ता, इनको कंपलसरी रीडिंग करा दो, आरएसएस का नामो निशान मिट जाएगा, कराओ ना। तुम आरएसएस, तुम साबर करके मूल डॉक्यूमेंट्स को क्यों नहीं पढ़वाना शुरू, जो उसके भाषा में करवाते हो? तुम आनंद मठ का, चलो आनंद मठ को पूरा नहीं पढ़वा सकते हो, आनंद मठ का जो लास्ट चौथे आखिरी भाग का जो आठवां है, मतलब वो लास्ट चैप्टर जो है, लास्ट चैप्टर को क्यों नहीं कंपलसरी कर देते हो कि सब पढ़ेंगे, पढ़वाओ ना उसको। तो आप गद्दार हैं, आप अंग्रेजों के दलाल हैं, सब तरह की हरकतें करते हैं, और आपको बदकिस्मती से जो इस देश का सेकुलर इंटेलेक्चुअल रहा, मैं माफ कीजिएगा, जो अपने आप को बहुत प्रोग्रेसिव इंटेलेक्चुअल कहता रहा, वो पता नहीं उसने आरएसएस की सारी चीजों को, क्या आनंद मठ उन्होंने नहीं पढ़ाया क्या? आनंद मठ उन्होंने भी तो पढ़ा होगा ना, आनंद मठ जो हिंदू राष्ट्रवाद जिसको अपना अपना बाइबल बना रहा है, हम उसको नहीं लोगों के सामने ले जा सकते थे जब वो मुसलमान बस्तियों के, तुम्हें इस देश में रहना वंदे मातरम गाना होगा? कभी हमने ये बहस की है कि वंदे मातरम किसको लेकर गाना है? वंदे मातरम का जो है, नदियां बह रही हैं, फूल वगैरह, इसको राजस्थान के अंदर, इसको उन्होंने लिखा, अरबिंदो ने इसका अनुवाद किया बंगाल एंथम के नाम पर, ये सारी नहीं, हम वंदे मातरम क्या होना चाहिए? अरे उस पर एक बहस तो चला लेते हैं, तो कर लेते हैं, और आप किसी भी चीज में मुसलमान इशू जोड़ दीजिए, आप उसका विरोध किया, जैनियों ने विरोध किया, सिखों ने विरोध किया कि ये एक धर्म की विशेष की बात है, बस आप मुसलमान ले आइए। जैसे बंगाल के चुनाव के अंदर आपने बहुत अच्छा किया है कि फायरिंग जो कराई है वो उस इलाके के अंदर, जहां पर ये बताने के लिए कि ये जो वोटर है इसका फला पार्टी का वोटर, वो ये वाले डर के नहीं आएंगे, तो आप टारगेट करते हैं, टारगेटेड आप करते हैं, मुसलमान को ले आइए किसी भी इशू के अंदर, तो बस वो जो है सब दूसरी बहस फिर ये चली जाती है। आप ये भी नहीं,
ये भी नहीं करते हैं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने जो कमेटी बनाई थी जिसमें सुभाष चंद्र बोस भी थे, गांधी जी थे, इसका कौन सा अंतरा पढ़ने की बात की थी, शुरू के दो अंतरे पढ़ने की बात की थी इसका, उसकी भी आप बात नहीं करते हैं। तो आप जो है देखिए, आरएसएस को जिस दिन आप जान लेंगे, जिस दिन आप इस्लामवाद क्या है, उसका मुसलमानों के बारे में क्या विचार है, इनका हिंदुओं के बारे में क्या विचार है, ये टिकेंगे नहीं, ये खूटा छुड़ाकर भागेंगे। और जो संबंध श्यामा प्रसाद जी का मैंने आपसे निवेदन किया ना, लीव्स ऑफ अ डायरी, वो पढ़ लीजिए, लाइब्रेरीज के अंदर है। वैसे आरएसएस वाले उसको आजकल उसकी चर्चा नहीं करते हैं। आरएसएस वाले क्या ये बताते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भाषण पार्लियामेंट का, बताते हैं लोकसभा के अंदर कि मैं हस्ताक्षर किया है उस प्रस्ताव पर कि इसको यूनाइटेड नेशंस में भेज दिया जाए कश्मीर का इशू? क्या क्या जब ये अमित शाह वहां से बोलते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ, और गुस्से के अंदर बोलते हैं कोई मेंबर पार्लियामेंट कश्मीर का बोला था, वो कश्मीर के मेंबर पार्लियामेंट भी इतने अज्ञानी थे, उनको वो लोकसभा का उनके पास पता ही मिनट से नहीं है, वो हिंदू राष्ट्रवादी भी है, वो यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी भिजवाता है। हाँ, बाकी जो यूनाइटेड नेशंस में जो वो नेहरू जो है वो गद्दार हो गया, वो मुसलमानों का दलाल हो गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है वो क्विट इंडिया मूवमेंट का दबाने का जिम्मेदार है, और उसकी चिट्ठियां जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर बंगाल के नाम पढ़नी चाहिए। मैंने ओपन की है, मैंने पब्लिक किया है उसको। गोलवलकर साहब मतलब कितना झूठ, कितना कोई आदमी झूठा हो सकता है जो अपने आप को कहता है हम तो ट्रांसपेरेंसी, और उसके अंदर अब बंच ऑफ थॉट के अंदर लिख रहा है कि ये मुसलमान जो यहाँ मस्जिद के बाहर जो बाजा बजाने के उस पर करते हैं, बंच ऑफ थॉट के अंदर लिख रहा है कि वो मेरे पास मुफ्ती आया सऊदी अरब का कि हम तो मस्जिदों के बाहर और अंदर जो है खूब नमाज और वो सब जो है ढोलक और बाजे के साथ करते हैं, लेकिन यहाँ किसी को मत बोलना नहीं तो यहाँ मुसलमान मुझे जान से मार देंगे। क्या क्या बोलते रहते हैं, वो गाय जो है मुसलमानों के आने से शुरू हुआ, अपना ये बता रहे हैं अपना विवेकानंद जी बता रहे हैं कि ये जो बीफ नहीं खाता है, महत्वपूर्ण अवसरों पर उसे आवश्यक रूप से बैल की बलि देना व उसे खाना होता है। यहां मुसलमानों से जोड़ दिया आपने उसे। डॉक्टर अंबेडकर लिख रहे हैं बीफ इसलिए खाना जरूरी होता था क्योंकि वो पूज्य था, हम बहुत पूजनीय चीज जो होता है उसका उपभोग करते हैं, ये जो है, लेकिन आप कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। मुसलमान इंटरनल थ्रेट्स, आज वो किताब बिक रही है, उसको बैन में किताब बैन करने की बात नहीं करता, उस आदमी को उसको जो है उसके ऊपर बहस चलनी चाहिए। इंटरनल थ्रेट नंबर वन मुसलमान, नंबर दो ईसाई, तो आप इस देश को तोड़ने वाले तो आप ही पैदा हो गए ना। कौन सा आईएसआई आएगा, कौन सा केजीबी आएगा, कौन सा सीआईए आएगा इसको तोड़ने के लिए? कॉमरेड एक जी एक सवाल आया है विजय जी से, हिस्ट्री रामजस से, कि जैसा कि पूरे ही सेशन में हम लोग वो आप बात रख रहे थे कि आरएसएस जिस तरीके से अभी नेशनलिज्म के डिस्कोर्स को ऑप्ट करते हुए प्रेजेंट करता है, उसका बिल्कुल भी वो इतिहास रहा है नहीं है, तो उसके विपरीत में हम लोग किस तरीके का राष्ट्रवाद इमेजिन कर सकते हैं, अगर उसको लेके आप थोड़ा बोले तो। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं राष्ट्रवाद के बारे में अपने बंगला कवि ठाकुरदा के साथ बिल्कुल सहमत हूं। आप समझ गए ना किन की बात कर रहा हूं मैं? किन की बात कर रहा हूं? रविन्द्रनाथ ठाकुर की। ये एक ऐसा बेहोश करने वाली गैस है
जिसके असर में आप शर्मनाक जनसंहार कर सकते हैं और उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। देखिए ये जो नेशनलिज्म है ना, ये तो दुनिया की लूट को हिंसा ना हो उसको बांटने के लिए, हम जनपक्षीय नेशनलिज्म की बात करते हैं, हम उस नेशनलिज्म की बात करते हैं जिसमें सारी दुनिया के गरीब और मेहनत कर जो है वो एक होंगे और इंपीरियलिज्म से लड़ाई लड़ेंगे। हमारा है डाउन विद इंपीरियलिज्म, इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब किसके लिए? हमें दिला दी आजादी उसने है वो नहीं, हमने गोरे अंग्रेजी नहीं, काले अंग्रेजों से भी हमने मुक्ति चाहिए। हमने नारेबाजी नहीं करनी है, इसलिए हमने राष्ट्रवाद, एक पीपुल्स नेशनलिज्म, अगर उसके लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे। और उसकी बहुत छोटी छोटी शुरुआत भारत की आजादी के समय हुई थी, जैसे पंचायती राज को लेकर बहुत सारे सवाल थे, लेकिन जो पंचायती राज बाद में जिस तरह का बनाया गया उसकी कोशिश की गई, लेकिन उस पर भी सारा ठेकेदारों ने कब्जा किया। आज पर डॉक्टर अंबेडकर भी कभी एक मत था कि वहां लट जो है ऊंची जाति के हाथ में रहता है, वहां पंचायती राज कौन चलने देगा, वो हुआ क्योंकि हम वहां पर गांव के अंदर डेमोक्रेटिक सोसाइटी नहीं बना पाए। तो नेशनलिज्म पर एक बहस होनी चाहिए। और ये जो जिस नेशनलिज्म की ये बात करते हैं, अब बताइए हर बात में हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं देश को पहले रखो। अरे भाई तुम बहुत ज्ञानी हो, तुम्हारे पास तो कितनी डिग्रियां हैं जिसको तुमने तालों के अंदर बंद करके रखा है। ये देश क्या चीज होती है कि चिड़िया का नाम है देश? देश लोग होते हैं ना, लोगों के बिना कोई देश होता है? भारत माँ जिसकी बात करते हैं वो तो बंकिम से पहले कोई भारत माँ की बात नहीं करता है, सब पितृ मतलब फादरलैंड की बात कर रहे हैं। प्रतीकों में जाओगे तो लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। अरे ये मदर इंडिया है, ये फादर इंडिया है, ये क्या इंडिया है? क्या लोग भी हैं इसमें कहीं के अंदर? वो बहस नहीं हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि नेशनलिज्म पर, और मैं साथियों से चाहूंगा कि आप जो है, जो आपके साथी हैं उनको आप नेशनलिज्म पर एक दिन हमारे साथ बातचीत रखिए। जी जी कॉमरेड जी, बिना जनवाद के हम लोग कोई भी राष्ट्रवाद का कल्पना में आगे नहीं बढ़ सकते। अभी हम लोग ये सारे सवालों को लगभग हम लोगों ने कवर कर लिया, तो नहीं एक उन पर आया हुआ है, नहीं सुनिए, एक अंबेडकर पर आया हुआ है कि वो क्विट इंडिया मूवमेंट के खिलाफ थे, मैंने यहाँ आया था कहीं बीच में। हाँ 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 हाँ, आप उस पर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं? हाँ हाँ, वो सवाल आया था, आप उस पर रिस्पॉन्ड करना चाहें तो बिल्कुल। हाँ बहुत जरूरी है। देखिए डॉक्टर अंबेडकर ने कभी भी ये दावा नहीं किया कि मैं भारतीय राष्ट्रवाद का आइकन हूं, वो इससे बहुत झगड़ा करते थे। तो आप आरएसएस ने क्विट इंडिया का सावरकर ने विरोध किया और इन्होंने विरोध किया, तो वो जो है मतलब इसलिए वो, क्योंकि अंबेडकर ने भी कहा था, अंबेडकर तो बहुत सारी और बातें कह रहे हैं और अंबेडकर ये नहीं कह रहे हैं कि मैं भारतीय राष्ट्रवाद का प्रतीक हूं। अंबेडकर ये जरूर कह रहे हैं कि मैं एक बार हिंदू पैदा हुआ दोबारा हिंदू मरूंगा नहीं, और वो ये कह रहे हैं कि ऊंची जाति के मुसलमान और ऊंची जाति के हिंदू जो है इतना इस देश का साथ उन्होंने जो मौत का अखाड़ा बना दिया है, उनके हिंदू गरीब और मुसलमान गरीब से मुक्ति होकर एक अपना संगठन बनाए। ब्राह्मणिज्म के बारे में उनका जो है मुझे लग रहा है कि उसको पढ़ने की बात है, पर राष्ट्रवाद को लेकर डॉक्टर अंबेडकर को एक बहस के अंदर लाना मुझे लग रहा है कि वो एक ठीक बात नहीं है, क्योंकि आप सावरकर को तो इस देश का प्रतीक मान रहे हैं ना, आप देश को रिप्रेजेंट करते हैं। और क्या अंबेडकर साहब ने अंग्रेजी सेना के लिए पैसा चंदा दिया था, वहां भर्ती कराई थी क्या क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में?
वो तो इतनी गद्दारी की बात उन्होंने नहीं की जी। ठीक है जी जी कॉमरेड, बाकी दो सवाल एक दो जो रह भी गए हैं वो तो इस समझ में ही सवाल है कि क्या करना चाहिए फांसीवाद के खिलाफ लड़ने का, तो वो तो हम लोग आगे भी उस पर बात करेंगे। और बाकी जितने साथी अभी तक जुड़े हुए हैं, एक मिनट कॉमरेड, कॉमरेड बहुत अच्छा गीत भी गाते हैं, तो हम लोग बहुत आभारी होंगे कि आप कोई गीत हमारे सामने रखे ताकि हम लोग एक्चुअली फांसीवाद के खिलाफ लड़ने के लिए ऊर्जा मिलता है। बिल्कुल अच्छा, सुनिए मैं आपको ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने क्या करना है। मैं कॉमरेड लेनिन की बात आपको शेयर करना चाहता हूं। कॉमरेड लेनिन जब आखिरी दिनों के अंदर, यानी पूरा दिमाग फिर भी कितना सचेत था, उन्होंने सवाल किया, नौजवान कुछ पूछे हम क्या करें, लर्न। उन्होंने पूछा उसके बाद क्या करें, लर्न। उसके बाद क्या करें, कॉमरेड ने कहा लर्न। अपना कपड़ा काटने से पहले उसको 8 बार नापो। कॉमरेड्स, आप अगर जानेंगे नहीं शासक वर्गों को, उनको तो उनको पहचानेंगे नहीं, उनसे लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। जैसे आप आनंद मठ की बात सुनते एकदम डिफेंसिव हो जाते हैं, यार ये तो, यार ये तो देखो ये हिंदुओं को साथ ले लेंगे। अरे हिंदुओं को जिस दिन हम बताएंगे कि ये अंग्रेजों के दलाली में लिखा गया नाटक है, और बंकिम जो है, अब जैसे बंकिम है, बंकिम ये मानते हैं कि महाभारत जो है कोई आसमानी किताब नहीं है, वो कैसे बाद के अंदर इतने बाद में जमा किया गया। अब वो यानी पूरा बहस करो ना फिर, बंकिम पर भी करना है। बंकिम पर हमारी जानकारी ज्यादा होनी चाहिए उनसे, जो वो झूठ बोल रहे हैं बंकिम के बारे में। लर्न, लर्न। थैंक यू कॉमरेड, आइए गीत गाते हैं। हाँ? शुक्रिया कॉमरेड। अच्छा आप साथियों को बता देंगे कि कुछ किताबें वगैरह वो चाहें तो वो आप शेयर करेंगे और मैं है? चाहते चाहते हैं नीलिमा शर्मा और मैं, हम दोनों मियां बीवी भी हैं और हमारी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी हुई भी है, और जो ये आरएसएस वाले एक और सवाल होते यूनिफॉर्म सिविल कोड, हमारे देश में पहले से यूनिफॉर्म सिविल कोड है, स्पेशल मैरिज एक्ट उसको लागू कर दो, लेकिन वे इससे भागते हैं, वो हिंदू रहते हुए मुसलमान रहते हुए शादी हो जाए उसी नाम से तो वो नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हिंदुओं के नाम से शादी हो, दूसरे चाहते हैं मुसलमान के नाम से शादी हो। दुकानें खुली हुई हैं, हिंदू बनाने की दुकानें खुली है, मुसलमान बनाने की शादी खुली है। मैं तमाम नौजवान साथी लोग जो शादी करना चाहते हैं उनसे निवेदन करूंगा कि हमारी तरह से स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करें और बोले कि इसको लागू करो यूनिफॉर्म से बिल्कुल। जी मारने से अच्छी है लड़ाई, ओ भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ उठा। सहते सहते मरने से अच्छी है लड़ाई, ओ भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ उठा, ओ भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ उठा। सहते सहते मरने से अच्छी है लड़ाई, ओ भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ उठा, ओ भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ उठा। तेरा भी होना सबको देवेरे दिखाई, ओ भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ उठा, ओ भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ उठा। कल वो ही हो जो चाहे तेरा मन रे, कल वो ही हो जो चाहे तेरा मन रे, जिंदगी बदलने का कर तू जतन रे, जिंदगी बदलने का
कर तू जतन रे, टूटेंगे ये पिंजरे तो, टूटेंगे ये पिंजरे तो, मिलेगी रिहाई ओ भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ उठा, ओ भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ उठा, टूटे हुए सपनों को जोड़ना जरूरी, टूटे हुए सपनों को जोड़ना जरूरी, दिलों में हमारे भाला कैसी है ये दूरी, दिलों में हमारे भाला कैसी है ये दूरी, पेड़ तो हमारे पर छाँव है पराई ओ भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ उठा, ओ भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ उठा, घर तक पीछे पीछे आया है अंधेरा, घर तक पीछे पीछे आया है अंधेरा, आंखों में हमारी दिखता है ये सवेरा, आंखों में हमारी दिखता है ये सवेरा, दुनिया में प्यार बचे, दुनिया में प्यार बचे, बचे सच्चाई ओ भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ उठा, ओ भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ उठा, सहते सहते मरने से, सहते सहते मरने से अच्छी है लड़ाई ओ भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ उठा, ओ भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ उठा। आपको सलाम, लाल सलाम, और बहुत धन्यवाद कलेक्टिव छात्र संगठन का, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया कॉमरेड, कॉमरेड कॉमरेड नीलिमा के भी हम लोग आभारी हैं ये गीत रखने के लिए, बहुत शुक्रिया, और कलेक्टिव की ओर से आपका आप शुक्रिया अदा कर रहे हैं, नीलिमा शुक्रिया अदा कर रही है, और आपने मुझे कलेक्टिव को बहुत धन्यवाद देना है कि उन्होंने बहुत शानदार तरीके से ऑर्गेनाइज किया, होमवर्क किया, मैं भी अपनी बात ठीक ठाक कमरे, हम लोग भी कलेक्टिव से आपके लिए शुक्रिया है कि आप बात रखे, और आप जो किताबें भेजी उसके लिए भी शुक्रिया कि हम लोग भी संगठन में उसको लेके पढ़ाई और भी ज्यादा समझे। ये सेशन हम लोग एंड करते हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन होगा उसके लिए आप कलेक्टिव के पेज से या फिर जो रजिस्ट्रेशन लिंक है उससे आप जुड़ सकते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, फासीवाद मुर्दाबाद।